<coughs> Hello, everyone. How are you? Hello, everyone. To all of that is great <laughs> How are you guys? So, आप लोग तो पहचान गए होंगे इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है राइट यार मैं इंट्रोडक्शन देने में बिलीव कम करता हूँ ठीक है मैं चाहता हूँ मेरा इंट्रोडक्शन मेरे टीचिंग से होना चाहिए और मुझे यकीन है कि मेरे बच्चे मेरे टीचिंग को समझते हैं और उनको मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है राइट तो आज हम मचाने वाले हैं और आज फुल फायर करने वाले हैं क्योंकि आज मैं भाई एकदम फ्रेश हूँ और काफ़ी आज दिन में रेस्ट किया है और आज सिर्फ एक ही रीज़न है बस फोड़ के लेना है और समझ के लेना है ठीक है चैप्टर की ऐसा लेना भाई कि चैप्टर में सिर्फ मेरे बच्चों को मजा आना चाहिए ये जो चैप्टर है ना मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूड ये थारा भाई अज्जू कितना आज इसका समझ के लेगा आपको समझा के देगा इस चैप्टर का कि भाई जो मार्केट में इसने दहशत बना के रखा है ना कि मैं बहुत ख़तरनाक हूँ मुझे कोई नहीं समझ सकता ऐसा कुछ नहीं होने वाला है आज सब समझ के लेंगे मैं समझा के दूंगा और आप सब समझ के लोगे ये मेरा वादा है आपसे ये मेरा वादा है आपसे कि आप समझ के लोगे और मैं समझा के दूंगा और आज का सेशन इतना माइंड ब्लोइंग होने वाला है कि भाई अब पूछो मत क्योंकि तो मैं खुद एक्साइटेड हूँ इतना जबरदस्त चैप्टर है आज का ना कि इसमें सिर्फ कंसेप्ट कंसेप्ट और कंसेप्ट है इतने मजेदार चैप्टर के लिए धारा भाई हमेशा एक्साइटेड रहता है और आज क्योंकि मैं एक्साइटेड हूं तो मैं चाहता हूं मेरे बच्चे भी एक्साइटेड रहे फटाफट ज्वाइन कर सेशन बिकॉज मेरा टारगेट है कसम से बता रहा हूँ 500 से अगर नीचे रहेगा तो मैं सेशन स्टार्ट नहीं करूँगा तो आपके ऊपर है पाँच फटाफट करने के लिए पाँच करो धारा भाई समझा के देगा पाँच सौ पाँच सौ प्लस चार सौ सत्ताईस दिख रहे हैं फटाफट गाइस फटाफट रेडी हो जाओ 500 प्लस एंड आज का मेरा टारगेट है टुडेस माय टारगेट क्या टारगेट है पता है वन कम से कम टारगेट ले लेते हम लोग टू के लाइक टू के लाइक्स और आप करके दोगे ये आप करके दोगे मेरा वादा है मैं पढ़ा के दूंगा और लेकिन ये आप करके दोगे और ये अगर मिल गया ना कसम से बता रहा हूं नेक्स्ट लेक्चर मुझे कुछ और देखोगे इतना तूफान मचा दूंगा ना कि सारे प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब के थारा भाई दिखाई देगा ठीक है तो मेरा गारंटी बेटा कि आपको ये टारगेट कंप्लीट करना है आज के सेशन में ठीक है और कम से कम कम से कम टेन के व्यूज यह आपका टारगेट है बेटा बस कुछ नहीं अपने फ्रेंड्स को क्या करना है बताओ यार कि हम फ्री में आपको एजुकेशन दे रहे हैं तो क्यों ना यार बस एक उम्मीद कर रहे हैं इसके लिए ठीक है हमारे चैनल को न्यू इंडियन एरा को हमारी टीम को जो आपके लिए दिन रात नोट्स में बना बना के आपको स्लाइड्स भेज के यहां पर लाइव लेक्चर लेके आपके लिए मेहनत कर रहे है इतना उम्मीद तो कर सकते भाई इतना उम्मीद है मुझे और आप करके दोगे ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं लेट्स द टॉपिक नाउ नाउ हेलो वॉइस आर गेट अप गाइस हेलो हेलो एक सेकेंड वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है हेलो क्लियर हेलो बच्चों मुझे बता दो वॉइस क्लियर आ रहा है बता दो, मतलब कोई सीटी वीटी तो नहीं बज रहा ना विस्लिंग वगैरह हो रहा है आवाज में ऐसा कुछ तो नहीं बज रहा ना विस्लिंग आवाज में मतलब सॉरी एक्चुअली मोबाइल बगल में है ना आपको हाँ इको रहा होगा ठीक है चलो चलो ठीक है और आपने मेरा वादा कंप्लीट कर दिया जो तो कि मैंने पहला सोचा था 500 प्लस और मेरे बच्चों ने 500 प्लस करके दिखा दिया यार क्या बात है तो मुझे लग रहा है कि जो मैंने दूसरा चैलेंज देकर रखा वो 2000 के और 10 के व्यूज के ऊपर वो भी हो जाएगा और इसी जुनूनियत के साथ आज का लेक्चर थारा भाई शुरू करने जा रहा है जिसमें आपको सिर्फ मजा आने वाला है फुल ऑन मस्ती होने वाला है लेक्चर में जिसमें आप पूरी तरह से हंसते हंसते पूरा कंसेप्ट को समझ के लेने वाले हो कैन बी स्टार्ट टूडेज धमाका का चलो आज मचाएंगे भाई आज मचाएंगे ओके ओके अभी वॉइस आ रहा होगा सबको हेमंत देखना आवाज आ रही सबको ओके तो हेमंत आप एक्साइटेड हो अरे भाई कुछ तो बोलो यस 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 सब एक्साइटेड है और नेहा भी आ गई है अज्जू भाई भी आ गए हैं बस लेक्चर का स्टार्ट करना है चलो स्टार्ट करते हैं गाइस स्टार्ट करते हैं आज की कहानी कंप्लीट थेरी इन वन वीडियो जरूर मिलेगा थारा भाई देखे रहेगा ठीक है बहुत जानदार नोट्स बनाया है इतना सस्ता नोट बहुत ही बढ़िया और सस्ता नोट्स आपको मैं पेश करने जा रहा हूं बहुत ही बढ़िया और सस्ता नोट्स मार्केट में इसका जो भौकाल है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज नहीं समझेगा अरे समझेगा क्यों नहीं यार समझाने वाला चाहिए ठीक है हर चीज होता है डरती है दुनिया डराने वाला चाहिए सब कुछ होता है बस आपके अंदर जज्बा और जुनून कम नहीं होना चाहिए ठीक है उड़ान हर कोई नहीं भर सकता उड़ान वही भर सकता है इसके अंदर हौसला होता है हमारे अंदर हौसला है हम आज लंबी इनिंग खेलने वाले हैं और एक अच्छे टारगेट तक पहुंच के दिखाएंगे आप भी कर सकते हो सपोर्ट करिए हम जरूर कामयाब होंगे चलिए इसी मकसद से स्टार्ट करते हैं आज का हमारा प्यारा सा एपिसोड चैप्टर नंबर टू की कहानी देखते हैं इस चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लू मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूट और दिस इज मी अजय एस दुबे ठीक है और मेरे द्वारा नोट्स को आपके लिए एकदम अच्छे से बनाया गया है दिस इज माई हैंड रिटर्न नोट्स गाइस ये सब आपको दे दिया जाएगा कल मैंने आपको बताया था साइट पे अपने गूगल पे अपलोड कर दूंगा बिकॉज वहाँ पे अपलोड नहीं हो पा रहा नोट्स क्यों क्योंकि इसका साइज काफी ज्यादा है तो आपको टेलीग्राम पर इसको मिल जाएगा टेंशन ना लेना ठीक है नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा नाउ स्टार्ट करें चलो चैप्टर का नाम बेटा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द चैप्टर नेम इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट सबसे पहले देखना है कि भाई फ्लूड होता क्या है फ्लूड होता क्या है तो फ्लूड क्या होता है बेटा वट इज द मीनिंग ऑफ फ्लूड ये क्या होता है फ्लूड एक टाइप का फ्लूड का मतलब देखो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड मतलब हमें इस चैप्टर में फ्लूड से रिलेटेड हर चीज पढ़ना है फ्लूड कैसा होता है फ्लूड क्या करता है मतलब फ्लूड में क्या क्या प्रॉपर्टी होता है हर चीज भाई समझ के लेने वाले हर चीज समझा के लेने वाला हूँ आपको ठीक है एकदम मस्त में मस्क टाइप पढ़ाने वाला हूँ ठीक है तो आपको पहले बताता हूं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लू मतलब हमें फ्लूड के बारे में पढ़ना है और फ्लूड मतलब वह चीज होता है क्या होता है फ्लूड मतलब होता है अ सब्सटेंस सब्सटेंस बेटा जी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो वह हर चीज फ्लूड होता है वह हर चीज फ्लो फ्लूड होता है जो क्या करता है? फ्लो करता है क्या करता है फ्लो करता है उसे हम क्या कहते हैं फ्लूड कहते हैं क्या कहते हैं फ्लूड कहते हैं फ्लूड मतलब वो हर चीज जो फ्लो कर सकता है उसे हम क्या कहते हैं फ्लूड कहते हैं फ्लूड ठीक है जैसे कि एग्जाम्पल सर कुछ एग्जाम्पल ठोको सर जैसे कि हवा हवा क्या रहता है फ्लो करता रहता है तो हवा क्या, क्या है फ्लूड हवा क्या है हवा है मेरे बच्चों हवा है सर और कुछ फ्लूड होता है क्या हाँ और भी कुछ चीजें हवा के साथ पानी पानी भी क्या होता है फ्लो होता है कि नहीं होता है तो पानी मतलब वाटर वो भी क्या है फ्लूड है ये सुनो तो देर आर दुनिया भर के एग्जाम्पल ऑफ फ्लूड अगर मैं एग्जाम्पल बताने जाऊंगा तो भाई एग्जाम्पल हमारे समझ लो तो इतने रहेंगे कि हमारा लेक्चर कम पड़ जाएगा तो हमें ज्यादा नहीं बस उतना समझ लो फ्लूड मतलब हम उस सब्सटेंस के बारे में स्टडी करते हैं जो फ्लो करते हैं ठीक है तो फ्लो करने वाले हर एक सब्सटेंस किसके अंदर आते हैं सब आते हैं बाई फ्लूड के अंदर आते हैं किसके अंदर आते हैं फ्लूड के अंदर आते हैं दैट 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 एवरीथिंग इंक्लूडेड इन कैन फ्लो जो क्या कर सकते हैं फ्लो कर सकते हैं ठीक है थीके? तो इतना समझ में आया मेरी बात एग्जाम्पल मैंने लिया है लिक्विड और गैस लिक्विड में आप ले सकते हो जैसे कि मैंने लिया वाटर अब गैस में हवा ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो भी चीजें होता है ठीक है तो हर एक लिक्विड और हर एक गैस क्या होता है ये फ्लिड होता है क्या होता है बेटा फ्लिड होता है हर एक लिक्विड और हर एक गैस क्या होता है बेटा फ्लूड होता है क्या होता है फ्लूड होता है अंडरस्टूड नॉट क्या होता है फ्लूड होता है हर एक लिक्विड हर एक गैस तो लिक्विड के बहुत से टाइप्स होते हैं और गैस के भी बहुत से टाइप्स होते हैं यह yes सुनो no? तो हर एक टाइप का लिक्विड हर एक टाइप का गैस क्या कहलाता है फ्लूड कहलाता है समझ में आया बेटा फ्लू मतलब वह चीज जो फ्लो कर सकता है उसे हम क्या कहते हैं फ्लो फ्लूड कहते हैं क्या कहते हैं बेटा फ्लुइड कहते हैं अब फ्लूड की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं ठीक है चल फ्लूड की प्रॉपर्टीज देखते हैं कि भाई फ्लूड में क्या खासियत है ठीक है तो पहली खासियत ये है फर्स्ट फ्लो या वो फ्लू इसलिए कहलाता है क्योंकि वह फ्लो हो सकता है ठीक है तो फ्लूड वही कहलाएगा जो जो हो हो पाएगा जो हो पाएगा ठीक है मतलब जो फ्लो होता है बेटा वो सब क्या कहलाता है दैट कॉल फ्लूड क्या कहलाता है फ्लूड तो फ्लूड बनने के लिए उसका पहला क्वालिटी क्या होना चाहिए फ्लूड वही कहलाएगा जो फ्लो हो जाएगा ठीक है जो फ्लो करता है अपने आप को तो वो सब फ्लू कहलाते हैं तो सबसे पहला एबिलिटी क्या होना चाहिए वो फ्लो करना चाहिए ठीक है दे एबिलिटी टू टेक एनी शेप शेप यस ये कोई भी भी ले सकते हैं को किसी भी अंदर डालो तो हवा उसका शेप ले लेता है पानी को जिसके भी अंदर डालो पानी उसका शेप ले लेता है ठीक है इनको जहां भी ढाल दो उन लोग वहां का शेप ले लेते हैं तो इस तरह से मेरे बच्चों इनके पास एक ऐसा समझ लो कि ऐसा समझ लो क्वालिटी है को जहां पर भी, भी प्लेस करोगे वो वहां का शेप ले लेंगे ठीक है तो ये दूसरी उनकी क्वालिटी है पहला क्वालिटी क्या होना चाहिए अगर मान लो अगर अंड्या को फ्लूड के लिए अपना बोध ना ऑडिशन देने जाना है ठीक है कौन बनेगा फ्लूड ठीक है कौन बनेगा फ्लूड का ऑडिशन चालू है और थारा भाई और अंडा गया है देखने के लिए ऑडिशन देने के लिए तो भाई हम लोग में क्या क्वालिटी चाहिए सिलेक्शन के लिए हमें फ्लो करने आना चाहिए ठीक है और दूसरी बात हमारे पास ये क्वालिटी होना चाहिए हम जहां बैठे हैं, उसका सेप ले ठीक है अंडरस्टूड और नॉट तो ये क्वालिटी रहेगा तो हम फ्लूट कहलाएंगे मस्ती कर रहा हूं <laughs> मतलब कहने का मतलब वो है वो हर हाँ चीज फ्लूट होता है बेटा जो फ्लो कर सकता है और किसी भी चीज का सेप ले सकता है तो एग्जाम्पल क्या क्या चीज है वो एग्जाम्पल देखा जाए तो क्या क्या है वो तो आपका लिक्विड है लिक्विड कहीं भी डालोगे वो फ्लो हो सकता है और किसी का भी चीज का सेप ले सकता है सेकेंड ले सकते हो आप गैस गैस को क्या होता है बेटा ये फ्लो हो सकता है ठीक है और जहां भी डालोगे वहां का सेप लेगा ले है ना बात तो ये भाई इन लोग क्या होते हैं पेट्रोलियम वगैरह लिक्विड वगैरह गैस वगैरह ये सब के सब फ्लू कहलाते हैं क्या कहलाते हैं फ्लूड कहलाते हैं तो फ्लूड बनने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास आपके पास एक एबिलिटी होना चाहिए कि आप फ्लो कर सकते हो और आपके पास एबिलिटी होना चाहिए कि आप किसी भी चीज का सेप ले सकते हो ठीक है चलो अच्छी बात समझ में आए मेरी बात चलो रेस्ट क्या हो बोलो क्या होगा होगा बोलो अगर फ्लूड रेस्ट पर हो गया तो क्या होगा क्या होगा बताओ अगर फ्लूड रेस्ट पर हो गया तो क्या होगा अरे भाई वही होगा जो आप समझ रहे हो हाँ, बोलते ना वही होगा जो मंजूर खुदा होगा तो यहां पर क्या होगा अगर फ्लूड रेस्ट पर आ जाता है तो प्रॉपर्टीज ऑफ़ एट रेस्ट प्रॉपर्टी हाइड्रोस्टैटिक हाइड्रोस्टैटिक फ्लू कहेंगे क्या कहेंगे हाइड्रोस्टेटिक फ्लूड कहेंगे क्या कहेंगे हाइड्रोस्टेटिक फ्लूड कहेंगे यार समझ में आया क्या हाइड्रोस्टेटिक फ्लूड कहेंगे अगर कोई अगर कोई फ्लूड एट रेस्ट है मतलब वो फ्लिड मतलब वो फ्लो कर सकता है लेकिन उसको फ्लो नहीं करने दिया जा रहा है उसको रोक के रखा है तो उसको मतलब उसके पास एबिलिटी है कि वो फ्लो कर सकता है लेकिन उसको फ्लो करने नहीं दिया जा, जा रहा है मतलब बंद दरवाजे में या फिर बंद किसी जगह पे उसको रोक दिया गया है जैसे पानी पानी फ्लो कर सकता है लेकिन पानी को कुएं में रख दोगे तो कुएं से पानी अपने आप बाहर जाएगा क्या फ्लो होके नहीं लेकिन पानी नदी में रहेगा तो पानी नदी में फ्लो करेगा नहीं करेगा करेगा तो वहां पे वो स्टैटिक फॉर्म में नहीं लेकिन कुएं में उस हाइड्रोस्टैटिक के फॉर्म में तो अगर चीज को क्या कर देते हैं अगर उसको हम लोग रेस्ट करा देते हैं को रेस्ट पर करा देते देते हैं उसको फ्लो नहीं करने कि कर सकता है लेकिन हम करने नहीं दे रहे ठीक है तो वो क्या कहलाएगा वो क्या कहलाएगा बोलो क्या कहलाएगा वो कहलाएगा कि वह फ्लूड हाइड्रोस्टेटिक फॉर्म में है मतलब वह रेस्ट फॉर्म में है किस फॉर्म में बेटा रेस्ट फॉर्म में है इतना मेरी बात समझ में आई देखो तो यहां पर एग्जाम्पल दिया बैटरी का और इन्वर्टर इसके अंदर भी फ्लूड होता है पता है इसके अंदर भी क्या होता है लिक्विड होता है बोलना भाई गंगाजल छिड़केगा थारा भाई तेरे ऊपर ठीक है आज बदला लिख के रखेगा इसके समझ में आ रहा है क्या पिक्चर देखा गंगा जल तो मतलब उसके अंदर तेजाब रहता है ठीक है वो भी एक टाइप का लिक्विड होता है ठीक है वो लिक्विड होता है और लिक्विड क्या होता है फ्लो कर सकता है भाई लेकिन उसको फ्लो करने नहीं दिया जाता उसको बैटरी के अंदर रखा जाता है वहां से वो काम करता है तो मतलब ऐसे बहुत से एक्जाम्पल ये एग्जाम्पल नहीं है आर दुनिया भर के आप किसको पकड़ के ले सकते हो ठीक है अगर आपको लेने का मन गया तो किसको पकड़ के ले लो ठीक है मैं वो आपको बोलने नहीं आऊंगा ठीक है ठीक है तो मतलब समझ में आ रहा है मेरी बात चलो अगला नाउ सरफेस टेंशन क्या होता है बेटा सरफेस टेंशन क्या होता है नेक्स्ट हमारा सरफेस टेंशन क्या होता है सरफेस टेंशन मतलब होता है मान लो कोई पानी है पानी रे पानी तेरा रंग कैसा पानी बेटा क्या है पानी है ठीक है यू नो ब्लू है पानी 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 आपने देखा होगा पानी है और पानी का जो ऊपर का लेयर रहता है बेटा जो ऊपर का लेयर रहता है ना उसके ऊपर प्रेशर रहता है सर किसका प्रेशर अंडिया का नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं आंडिया का नहीं, नहीं रहता है वहां प्रेशर रहता है हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर रहता है किसका प्रेशर रहता है एटमॉस्फेयर का प्रेशर रहता है बहुत जोर का प्रेशर रहता है किसके ऊपर पानी के ऊपर जिसकी वजह से पानी का जो ऊपर का लेयर रहता है टेंशन में रहता है किस रहता है बेटा टेंशन में रहता है जब पानी के ऊपर के लेयर पे हवा हाँ का प्रेशर पड़ता है तो पानी का ऊपर का लेयर कैसे रहता है टेंशन में रहता है जैसे जब आपको प्रेशर आता तो टेंशन में रहता है ना ऐसा ठीक है समथिंग प्रेशर आता है कि नहीं आता है? तो वैसा प्रेशर आ जाता है ठीक है Osionfish. तो मतलब उसके पानी के ऊपर ही प्रेशर रहता है किसका प्रेशर पड़ता है भाई इसके ऊपर उसके ऊपर एटमोसफेयर का प्रेशर पड़ता है किसका प्रेशर पड़ता है एटमोसफेयर का प्रेशर पड़ता है समझना बेटा मतलब तो उसको जब पानी के ऊपर किसी ऊपर के सरफेस के ऊपर किसी आउटर साइड का किसी एक्सटर्नल फोर्स का प्रेशर पड़ता है तो उसके ऊपर टेंशन क्रिएट होता है और उसी टेंशन को थारा भाई क्या बोलता है सरफेस टेंशन बोलता है भाई क्या बोलता है सरफेस टेंशन बोलता है समझ में आ रही मेरी बात हाँ कि ना बोल यार समझ में आ रही मेरी बात यारा ना बोल यार समझ में आ रही मेरी बात ये सुनो भाई मतलब सरफेस टेंशन क्या होता है समझ के सरफेस टेंशन पानी का जो ऊपर का लेयर होता है उसके ऊपर एटमोसफियर का प्रेशर पड़ता है ठीक है और उस प्रेशर के वजह से पानी हमेशा टेंशन में रहता है कौन सा पानी ऊपर का लेयर का जो पानी रहता है ऊपर का जो लेयर का पानी के बहुत लेयर होते हैं ऊपर वाला बिच्छू वाला बिच्छू वाला ठीक है तो जो ऊपर का लेयर रहता है ना ऊपर ठीक है तो उसके ऊपर टेंशन रहता है ठीक है और किसके वजह से वो एटमोसफेरिक प्रेशर के वजह से ठीक है तो उसी टेंशन को हम क्या कहते हैं सरफेस टेंशन कहते हैं और टेंशन की वजह से क्या होता है पता है जो पानी के ऊपर के मॉलिक्यूल रहते हैं ना अपना बॉन्ड ऐसे बना लेते हैं पकड़ लेते हैं क्योंकि उनको पता रहता है हम पकड़ेंगे नहीं दूसरे को तो हम भाई फुर्र हो जाएंगे ठीक है वेपराइजेशन होके निकल जाएंगे लेकिन वो उड़ना नहीं चाहते हैं वो अपने आप को बॉन्ड बना के रखना चाहते हैं तो इसके वजह से वो अपने ऊपर एक एनर्जी क्रिएट करते हैं ठीक है उसे कहते हैं वॉट सरफेस एनर्जी जिसके वजह से आपस में बधे रहते हैं ठीक है और जब बधे रहते हैं तो ऊपर का लेयर थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है क्या हो जाता है स्ट्रांग हो जाता है हल्का सा जिसी की वजह से उसके ऊपर जो हमारा कौन मॉस्किटो तो मच्छर रहता है वो कैम रोते वो रैंप वॉक करता है इससे इससे रैम्प वॉक करता है किसके ऊपर करता है पानी के ऊपर करता है क्यों कर पाता है जो स्पाइडर होता है पानी के ऊपर कैसे चलता है क्योंकि उतना उसका वेट जो रहता है पानी क्या कर लेता है हैंडल कर लेता है क्योंकि ऊपर जो सरफेस रहता है टाइट हो जाता है और टाइट होकर एक स्ट्रांग लेयर बनाता है ठीक है सरफेस टेंशन की वजह से ऊपर का लेयर स्ट्रांग लेयर बनता है ऊपर ठीक है जिसके वजह से जो उसका जो डेंसिटी कम जिसके ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम होते हैं वो आसानी से उसके ऊपर क्या कर सकता है वॉक कर सकता है ठीक है और यही रीजन है कि उसके ऊपर स्पाइडर मॉस्किटो वगैरह क्या करते हैं अच्छे से चल लेते हैं ऐसा लगता है कि भाई रैंप वॉक कर रहे हैं क्या रहे है? कर रहे हैं रैंप वॉक कर रहे हैं किसके वजह से सब लफड़ा कौन कराता है सरफेस टेंशन फिर से बताता हूँ फिर से बताता हूँ फिर से ध्यान दो फिर से पड़ेगा भाई फिर से पड़ेगा समझा के रहेगा यार तेरे को समझा के रहेगा समझना प्लीज ध्यान दो व्हाट्सएप बंद करो सब कुछ बंद करो फिलहाल बस यहां ध्यान दो अगर कोई नेहा को, को ढूंढ रहे हैं तो नेहा को ढूंढना बंद करो अज्जू भाई को देखो ठीक है हो सकता है कुछ बच्चे मेरे चैट में बिजी होंगे प्लीज यहां ध्यान दो बेटा तो बात में बोलूंगा समझा नहीं ठीक है कॉन्सेंट्रेट ऑन द लेक्चर ठीक है देखो मैं क्या बोल रहा हूं सरफेस टेंशन क्या होता है सरफेस टेंशन पानी के ऊपर के लेयर पे होता है किसके वजह से होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होता है जब सरफेस टेंशन होता है तो पानी क्या करता है तो पानी ऊपर अपना स्ट्रॉन्ग लेयर क्रिएट करता है वगैरह आसानी से क्या कर सकता है चल सकता है वो डूबेगा नहीं ठीक क्यों? है क्योंकि उसके ऊपर टेंशन है ठीक है एक लेयर रहता है और बहुत स्ट्रांग लेयर रहता है पानी का ठीक है और पानी क्या करता है अपने आप को हमेशा साथ में रहने की कोशिश करता है उसको पता रहता है टेंशन में अगर हम लोग एक दूसरे से बिखर जाएंगे तो हम भाई वेपराइजेशन होकर फुर हो जाएंगे ऊपर चले जाएंगे ठीक है लेकिन वो जाना नहीं चाहते वो नीचे रहना चाहते हैं है, है, वो नहीं चाहता है कि भाई हमारा टेंशन टाइट हो हो और हम फुर जाए ठीक है है तो इसलिए वो क्या करता है? सब पानी लोग आपस में क्या करते हैं एक यूनियन बनाते हैं ऊपर के पानी जो रहता है ऊपर का जो लेयर का पानी रहता है सब यूनियन बनाते हैं और साथ में आ जाते हैं ठीक है और साथ में आके एक लेयर क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से ऊपर का जो लेयर रहता है स्ट्रॉन्ग रहता है कंपेयर टू नीचे का जो लेयर रहता है पानी का ठीक है नीचे के लेयर काफी फ्री रहते हैं इसके वजह से नीचे वाले मजे से अपनी जिंदगी आम मतलब क्या करते है? जीते रहते हैं लेकिन ऊपर वाले बेचारे टेंशन में रहते हैं ठीक है तो बेचारे टेंशन का मतलब समझो कितना ज्यादा टेंशन रहता है कि अगर आपस में ऐसा लेयर नहीं क्रिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा कि वो दूर दूर हो जाएंगे और भाई जब यूनाइटेड नहीं रहेंगे तो सन्नी भाई उनको क्या करेंगे मतलब इतना गर्म कर देंगे इतना गर्म कर देंगे उनको कि भाई उनको सरफेस छोड़ के भागना पड़ेगा ठीक है तो सन्नी भाई मतलब उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा ना पड़े इसलिए क्या करते हैं साथ में रहने कोशिश करते हैं ठीक है और जिसके वजह से उनके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्रिएट होता है सरफेस एनर्जी और समझ में रही मेरी बात चल नेक्स्ट डू यू नो दैट डू यू नो डू यू नो कुछ मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या आपको पता है क्या आप बताएंगे अगर मैं कुछ पूछूं तो क्या आप बताएंगे हाँ ना बोलो यार अगर मैं कुछ पूछूं तो क्या आप बताएंगे चलो पूछ ही लेता हूं ठीक है यू ऑल हैव ब्लोन सोप बबल इन योर चाइल्डहुड व्हाट इज देयर शेप क्या आप लोगों ने बचपन में क्या आप लोगों ने बचपन में ऐसा साबुन घसा है हाथ पे और साबुन घस के ऐसे झाग निकाल के फुग्गा फुलाया है बलून जैसा और yes नो ऐसा किया है क्या मैंने तो किया है भाई बहुत नटखट था मैं बचपन में सारा भाई बहुत ही करके लिया बहुत अच्छे अच्छा करके लिया ठीक है थीके? कभी बताऊंगा मतलब आई वेरी वेरी नटखट टाइप तो ऐसा मैं लेता था साबुन ठीक है ऐसा करके हुक्का नहीं मारने नहीं बोल रहा हूँ पगलो ठीक है ऐसा फुलाने का बचपन में ऐसा मैं करता था वैसे क्या होता था एक मतलब स्पेरिकल शेप में बलून बनता था ठीक है और ऐसा ऐसा गोल गोल, गोल बन के उड़ने लगता था ऐसा ऐसा आजकल उसको देखना है तो आजकल के बच्चे क्या करते हैं पता है आजकल के तो भाई ऐसा पानी और साबुन का झाग आता है और मेले में जाते हो ऐसे करते ठीक है थीके? तो इसलिए बड़ा बड़ा बबल निकलता है ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे पकड़ के मारते हैं ले ठीक है ऐसा किया है कि नहीं किया है किया होगा आपने कभी सोचा है वो गोल गोल कैसे बनता है इतना सुनहरा कैसे दिखता है बताऊंगा किसके वैसे बनता है बताऊंगा बताऊंगा जवाब का इंतजार करो यहां जवाब मिलेगा ठीक है चलो आगे बताता हूं वाई कैन अ वाटर स्पाइडर वॉक कंफर्टेबली ऑन द सरफेस ऑफ वाट वाटर क्या कभी सोचा है कि हमारा मॉस्किटो या कोई वाटर स्पाइडर ये पानी के ऊपर सड़ाई लोग वॉक कैसे करता है लोग लोग इन लोग क्या करते हैं वॉक वॉक कर लेते हैं यार लेकिन हम लोग करने जाए तो हम लोग डूब जाएंगे ठीक है तो ऐसा क्यों होता है क्योंकि हम लोग का भैया हम लोग का जो डेंसिटी होता है वाटर डेंसिटी से बहुत ज्यादा रहता है जिसके वजह से हम तो डूब जाएंगे अगर हमने कुछ हलचल नहीं किया बचाने के लिए तो हम तो भाई डूब जाएंगे सीधा मर जाएंगे लेकिन इन लोग क्या करते हैं लोग मजे लेते हैं कूदते हैं ऐसा चलते हैं ऐसा 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 चलता है वहाँ पर तो मॉस्किटी रहती है मॉस्किटी मॉस्किटी तो ऐसा देखता है ठीक है और मॉस्कटी जलती चलती है ऐसे ठीक है मतलब कैंप वॉक होता है हम लोग वॉक होता है भाई समझ में आ रहा लेकिन किसके वैसे होता है कभी सोचा है वो भी बताऊंगा ठीक है चलो आगे बताता हूँ अरे यार जब भी आप पानी की कोई बूंद गिराते हो टप 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 टपा टप 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 टपा टप देखा है अरे पानी की बूंद का ठीक है तो आप लोगों ने देखा होगा ना सही से बताओ जोर मत बोलना। तो आपने देखा है पानी टेप गिरता है, ठीक तो है।, है, है तो स्पेरिकल इंतजार करो ठीक है क्योंकि क्यों क्यों यहां पर इट्स ऑल बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन बच्चा किसके से होता है ये सल कौन कराता है यार ये सब सरफेस टेंशन कराता है ये बहुत दुष्ट होता है ठीक है क्योंकि इसकी जब बिकास जब इसका भाई इसके ऊपर जब टेंशन आता है ना तो अपने आप को बचाने के लिए हमेशा अपने बंदों को क्या रखता है यूनाइटेड रखता है क्या रखता है यूनाइटेड इनको पता रहता है बोलता है अगर हम यूनाइटेड नहीं रहेंगे तो हम लोग मर जाएंगे ठीक है तो मरेंगे नहीं इसलिए हम लोग क्या रहेंगे यूनाइटेड रहेंगे और इन लोग हमेशा क्या करता है सरफेस टेंशन जो वाटर ड्रॉप रहते हैं ना वो हमेशा साथ में रहने की कोशिश करते हैं जिसके वजह से हमेशा उनका लेयर स्ट्रांग बनता है ठीक है पानी हमेशा ध्यान देना हमेशा एक साथ रहने की कोशिश करता है पानी के मॉलिक्यूल्स की खास बात यह है कि उनका इंटर मोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन काफी स्ट्रांग होता है क्यों क्योंकि क्यों क्यों उनके अंदर फोर्स होता है जो एक दूसरे को एक दूसरे को खींचता है कुची कुची कराता है 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 ठीक है? एक दूसरे को खींचता और जिसके वजह से उनका वो जो फॉर्म रहता है वो स्पेरिकल बन जाता है कैसे बन जाता है स्पेरिकल स्पेरिकल से अपने आप को चारों साइड से बचाते हैं वो बोलते हैं भाई हमला कहीं से भी हो सकता है सूर्या भाई हमला कर सकता है हमला कर सकता है और कहीं से भी हमला हो जाएगा तो हम उड़ जाएंगे कहाँ उड़ जाएंगा हाँ ठीक है सीधा वहां पर आकाश में चला जाएगा ठीक है तो उससे बचने के लिए हमेशा लोग क्या करते हैं ड्रॉप के शेप में गिरते हैं ठीक है थीके? ताकि अपने आप को चारों साइड से, से शेप करें मतलब एक होता है ना अपने को सेफ रखें बचा के रखें इसलिए हम अपने को क्या करते हैं अपने चारों तरफ से एक बॉन्ड बनाते हैं और इसके वजह से उनका जब बॉन्ड जब बनता है चारों तरफ से तो स्पेरिकल रहता है कैसा रहता है स्पेरिकल और पूरे बॉन्ड का जो सरफेस रहता है चारों साइड से उसे सरफेस टेंशन कहा जाता है क्या कहा जाता है सरफेस टेंशन कहा जाता है जो आपने देखा वाटर ड्रॉपलेस ऐसा रहता ना ऐसा पानी हमेशा ऐसा रहता है या पानी आपने ऐसा भी देखा ऐसा भी रहता होगा ठीक है मतलब हमेशा स्पेरिकल रहने की कोशिश करते हैं अंडरस्टूड एक हल्का सा एक होता है माइनू ड्रॉप ले वो भी हल्का सा क्या देखोगे तो वो भी क्या रहेगा स्पेरिकल फॉर्म में रहेगा क्योंकि पानी की प्रॉपर्टी है कि पानी हमेशा किस में रहता है स्पेरिकल शेप में रहता है क्यों क्योंकि उसको अपने लेयर्स को बचाना रहता है और उसको अपने आप को एक साथ रहना रखना पड़ता है अगर वो नहीं रखेगा तो वो क्या हो जाएगा वो वेपराइजेशन हो जाएगा ठीक है और उससे बचने के लिए वो हमेशा क्या करता है सेफ रखता है अपने आप को बचा के रखता है जैसे बोलते हैं ना एक उंगली कोई मार के चला जाएगा लेकिन अपने पाँचों उंगली साथ में आ जाए तो मुठ्ठी बन जाएगा तो इससे लड़ने के लिए हर कोई क्या करेगा सोचेगा ठीक है अकेला घड़ा बोलते ना अकेला चना होता है ना कुछ घड़ा नहीं फोड़ सकता बोलते ना लेकिन अगर बंद मुठ्ठी बोलते ना अगर बंद मुठ्ठी लाख की खुल गई तो खाक की ठीक है बोलते ना बंद मुठ्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की तो भाई हमेशा यूनाइटेड रहो ठीक है पानी हमेशा सिखाता है कि बंद मतलब अपने आप को पकड़ के रखो नहीं तो हम उड़ जाएगा ठीक है तो उड़ने ना पाए इसलिए हमेशा अपने आप को क्या करता है बचा के रखता है क्या करता है बचा के रखता है और हमेशा वो टेंशन फॉर्म करता है अपने सरफेस के ऊपर और बताता है कि हमें साथ में रहना है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं भाई टेक्सुअल डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन क्या है टेक्सुअल डेफिनेशन तो ये क्या होता है फोर्स अपॉन द अमाउंट ऑफ फोर्स द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन सरफेस पर यूनिट लेंथ इज सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन क्या होता है एक अमाउंट ऑफ फोर्स जब किसी लेयर्स पर पड़ता है कि सरफेस एरिया पर पड़ता है तो वहां पर टेंशन क्रिएट हो जाता है अमाउंट ऑफ फोर्स किसका हवा का एटमॉस्फेरिक प्रेशर का सन्नी भाई का प्रेशर ये सब पर जब लिक्विड के ऊपर पड़ता है फोर्स तो लिक्विड क्या करता है लेयर तैयार करता है अपना सरफेस तैयार करता है उसे क्या कहते हैं सरफेस टेंशन कहते हैं क्या कहते हैं सरफेस टेंशन कहते हैं ठीक है बेटा तो सरफेस टेंशन की क्या पहचान T इक्वल टू एफ बाई एल क्या बड़ा? तो होता है बेटा T इक्वल टू एफ बाई एल यही होता है सरफेस टेंशन की पहचान होती है ठीक है तो क्या होता है सरफेस टेंशन क्या होता है सरफेस टेंशन भाई सरफेस टेंशन वह टेंशन होता है जब पानी के ऊपर के लेयर पर सन्नी भाई सन्नी भाई आग उगलते हैं ठीक है हवा प्रेशर करता है है ठीक तो इन सब प्रेशर से इन सब फोर्स से बचने के लिए जो हमारा लिक्विड सर लिक्विड रहता है वो अपना ऊपर का लेयर क्रिएट करता है ठीक है और उसी लेयर को क्या कहते हैं सरफेस टेंशन कहते हैं क्या कहते हैं सरफेस टेंशन कहते हैं ठीक है तो हमेशा ध्यान देना इसका फॉर्मुला होता है टी इक्वल टू एफ बाई एल होता है ठीक है T equal to F by L भी होता है और कोई कोई जगह पे टीवल टू एफ बाई ए भी लेते हैं, तो हैं मतलब क्या हो गया मतलब टाइप का प्रेशर हो गया और प्रेशर को क्या कहते हैं टेंशन कहते हैं क्या कहते हैं टेंशन समझा मेरे बच्चों जब प्रेशर आता है प्रेशर समझते हो प्रेशर आ गया ठीक है तो प्रेशर जब आता है बेटा ठीक है बहुत गंदा चीज होता है जब प्रेशर आता है ना तो भाई समझ लो उसको कहते हैं टेंशन टेंशन आ जाता है दिमाग में टेंशन चलने लगता है कहां जाऊं कहा जाऊं ठीक है तो होने लगता है सब तो उसे कहते हैं टेंशन ठीक है तो इस तरह तो से आप समझ सकते हो तो इस तरह से पानी के ऊपर टेंशन आ जाता है टेंशन लाने वाला कौन रहता है सूर्या भाई रहता है और हौआ रहता है क्या रहता है हौवा रहता है ठीक है तो उन लोग क्या करते हैं पानी के ऊपर टेंशन क्रिएट करते हैं इसके वजह से पानी क्या करता है अपने ऊपर के लिए करता है टेंशन क्रिएट कर लेता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए समझ में आ रही बड़ी बात समझ में मेरी बात आ रही है कि नहीं ठीक है चलो हाँ ना बोल यार समझ में आ रही मेरी बात यह yes सोनो no? चलो अच्छा इसके लिए कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं तो इसका फॉर्मूला हो गया ठीक है ऐसा भी ले सकते हो आपके बुक में ऐसा है टी इक्वल टू एफ बाई एल ठीक है तो फोर्स के लिए हो गया न्यूटनवा और लेंथ के लिए हो गया मीटरवा ठीक है ये हो गया इसका यूनिट और आपको पता है इसका डायमेंशन निकालना है तो डायमेंशन निकालने के लिए फार्मूला आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला है आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए तो फार्मूला देख के डायमेंशन ठोक सकते हो ठीक है क्या बेटा P और आपको पता है फोर्स क्या होता है फोर्स होता है L1 M1 एम वन टी माइनस टू मतलब माइनस टू होता है ठीक है और ये क्या होता है लेंथ लेंथ क्या होता है L1 होता है क्या होता है L1 ये नीचू से ऊपर जाएगा तो इसका भाई साइन चेंज हो जाएगा मतलब सर्वा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये एल माइनस क्या हो जाएगा रुको रुको एल वन है एल वन है और एम वन है टी माइनस टू है और एल माइनस हो जाएगा तो ऊपर आएगा तो एल माइनस वन रहेगा ऐसा कुछ देखेगा तो इसका इसका चिपका चिपकी करा दो करा दोगे तो क्या हो जाए भैया यह हो जाएगा एल जीरो प्लस और ये माइनस जीरो हो जाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा बड़ा ये हो, 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 हो जाएगा डायमेंशन क्या हो जाएगा डायमेंशन क्या हो जाएगा बड़ा डायमेंशन हो जाएगा ठीक है तो डायमेंशन ऑफ वॉट डायमेंशन ऑफ वॉट डायमेंशन ऑफ टेंशन सरफेस टेंशन ठीक है चलो समझ में आए बेटा समझ के ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो चलो आ जाओ सरफेस एनर्जी, एनर्जी क्या होता है बेटा सरफेस एनर्जी क्या होता है इस अलग क्या होता है सरफेस एनर्जी बहुत कंफ्यूज करता है बच्चे लोग को लेकिन बच्चे लोग कंफ्यूज नहीं होना है इसको हमें अच्छे से लेंगे समझ के लेंगे इतना अच्छे से लेंगे कि भाई इसका जो दहशत है ना मार्केट से हटना मांगता है अगर थारे भाई ने समझाया है और अभी भी दहशत है सर तो पढ़ाने का कुछ मतलब ही नहीं ठीक है और आपको पढ़ के लेना है इतना अच्छे से पढ़ेंगे यार कि आपको समझ में आना ही चाहिए ठीक है सरफेस एनर्जी क्या होता है आपको पता है जब सरफेस के ऊपर टेंशन आता है ना तो वाटर क्या करता है अपना सब भाई लोग को बुलाते हे भाई हमारे ऊपर आक्रमण हो गया आओ बचाओ 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 तो भाई लोग आ जाते हैं हर जगह सेफ्टी देते सेफ्टी देते हर जगह से हर मॉलिक्यूल आपस में जाके चिपका चिपके खेल लेता है और चिपका चिपके खेलता है तो अच्छा लेयर बन जाता है ठीक है जब लेयर बन जाता है तो वो उस लेयर में क्या रहता है एक एनर्जी रहता है ठीक है क्योंकि सबका एनर्जी लग जाता है उस अपने आप को बचाने के लिए तो उसे कहते हैं सरफेस एनर्जी क्या कहते हैं सरफेस एनर्जी कहते हैं ठीक है तो जो फोर्स जो रहता है ना तो फोर्स वो एनर्जी के फॉर्म में वहां पर वो क्या करते हैं क्रिएट करते हैं तो ध्यान देना पड़ा सरफेस एनर्जी क्या होता है आपको पता होना चाहिए सरफेस एनर्जी क्या होता है वो सरफेस के ऊपर फॉर्म होता है एरिया के ऊपर इसको बोलते हैं आपको पता है जब टेंशन फॉर्म होता है जब टेंशन फॉर्म होता है टेंशन क्या होता है फोर्स अपॉन क्या होता है आप बोल सकते हैं फोर्स अपॉन लेंथ ठीक है जब एक पर्टिकुलर यूनिट लेंथ पर जब फोर्स क्रिएट होता है पानी के तो उसके ऊपर पानी के ऊपर टेंशन आ जाता है तो टेंशन में आता है तो पानी क्या करता है जब टेंशन में आ जाता है पानी तो अपने ऊपर सबको बुला के एनर्जी क्रिएट करता है पूरे एरिया पर ठीक है और अपने आप को क्या करता है प्रोटेक्ट करता है क्या करता है बेटा अपने आप को प्रोटेक्ट करता है तो प्रोटेक्शन करने के लिए अपना सरफेस एनर्जी पानी क्या करता है बनाता है अगर नहीं बनाएगा तो उसके ऊपर टेंशन ज्यादा हो जाएगा टेंशन ज्यादा हो जाएगा तो भाई इसके लग जाएंगे ऊपर चला जाएगा ठीक है मतलब सूर्य भाई के पास चला जाएगा और जाके पानी बन जाएगा फिर ऊपर ठीक है तो इसलिए इतना प्रॉब्लम उसके ऊपर हो जाएगा चलो यहाँ पर ध्यान दो नोट जो फोर्स सरफेस टेंशन में लगता है वही सरफेस एनर्जी कहलाता है देखो जो फोर्स आता है ना तो फोर्स से बचने के लिए जो एनर्जी पानी अपने आप से दे जो एनर्जी पानी क्रिएट करता है ठीक है तो उसे क्या कहते हैं सरफेस एनर्जी कहते हैं फिर से बोलता हूं सरफेस के ऊपर जब टेंशन आता है फोर्स के फॉर्म में तो वो फोर्स का सामना करने के लिए पानी अपना एनर्जी लगा देता है ठीक है और उसे एनर्जी को क्या कहते हैं सरफेस एनर्जी कहते हैं क्या कहते हैं सरफेस एनर्जी कहते हैं क्या कहते हैं बेटा सरफेस एनर्जी कहते हैं चलो आगे आ जाओ रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन रिलेशन बिटवीन वॉट वट इज दैट रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है क्या रिलेशन है दोनों के बीच में ठीक है तो जो देखते हैं सरफेस टेंशन और सरफेस देखो कुछ नहीं होता भाई देखो रिलेशन बता दो रिलेशन बताओ ध्यान दो यहां पर ध्यान दो यहां पर ध्यान दो क्योंकि तो यहां पर अपना रिलेशन बताएंगे ठीक है यहां ध्यान दो नौ no. आपको पता है वी नो दैट सबको पता है क्या पता है भैया हम सबको पता है क्या पता है भाई बताओ हमें पता है सरफेस टेंशन जो होता है फोर्स अपॉन पर यूनिट लेंथ होता है ठीक है तो ये हो गया सरफेस टेंशन क्या हो गया सरफेस टेंशन तो इस और इसके बाद बात करते हैं सरफेस एनर्जी का तो क्या होता है जब टेंशन आता है पानी के ऊपर जब टेंशन आता है तो जो फोर्स रहता है फोर्स का मुकाबला करने के लिए पानी क्या करता है एक एनर्जी डेवलप करता है उस एनर्जी का नाम है सरफेस एनर्जी जब साथ में पार्टिकल को बुला लेता है तो पार्टिकल क्या करते हैं एनर्जी क्रिएट कर देते हैं और अपने आप को बचाते हैं सरफेस एनर्जी कहते हैं और ये सरफेस एनर्जी ये पूरे लेंथ को पकड़ लेता है पूरे एरिया को सरफेस को पकड़ लेता है तो डी समझा तो यही है आपका ये आपका हो जाता है सरफेस एनर्जी के लिए हो जाता है ठीक है मतलब ये ध्यान देना ये जो आपका सरफेस एनर्जी के लिए इक्वेशन आपने कैसे बनाया विद द हेल्प ऑफ सरफेस टेंशन से बना दिया ठीक है यहाँ पर ये टेंशन है ये दिस इज वॉट टेंशन ये आपका टेंशन होता है ये आपका सरफेस एनर्जी होता है सरफेस सरफेस एनर्जी रहता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी सरफेस एनर्जी रहता है किसके फॉर्म में, में रहता है बड़ा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में रहता है ठीक है और ये पूरा लेंथ जो रहता है पूरा एरिया में कवर हो जाता है अपने आप को प्रोटेक्शन करने के लिए तो ये सरफेस एरिया रहता है इसको कहते हैं सरफेस एरिया क्या कह सकते हो सरफेस एरिया कह सकते हो ठीक है तो रिलेशन यही है कि आपन ने इससे इसको कैसे बनाया ठीक है तो आपन ने क्या कि जब टेंशन आया ना तो टेंशन का मुकाबला करने के लिए फोर्स को सरफेस रिप्लेस कर दिया और एक लेंथ को पूरा सरफेस एरिया पर हमने क्या कर दिया इस एनर्जी को क्रिएट कर दिया ताकि हमारा पूरा पानी का लेयर क्या हो जाए सेफ हो जाए नहीं सेफ होगा तो भाई वो वेपराइजेशन होना स्टार्ट कर देगा बहुत तेजी से स्टार्ट होगा ठीक है बहुत तेजी से स्टार्ट हो जाएगा और नॉट चलो आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट नो no, कितना समझे बेटा नौ no. अगला करते बेटा वर्क डन वर्क डन क्या होता है बेटा वर्क डन ठीक है वर्क डन क्या होता है जैसे यहां पर ध्यान दो बेटा यहां पर ध्यान दो लेट अस सी हियर ओके यहां पर ध्यान देंगे हम लोग अपन इस इक्वेशन के हेल्प से दिस यू कैन सी दिस इक्वेशन हमारा जो इक्वेशन आया है सरफेस एनर्जी का टी इक्वल टू एस अपॉन डी ए तो आपन क्या कर सकते हैं पता है आपको पता है यू नो दिस यहाँ पर टी के साथ बी लेके चला जाओ और यहाँ पर क्या बचा सरफेस एनर्जी क्या बचा सरफेस एनर्जी और एनर्जी किसके फॉर्म में रहता है वर्क के मतलब वर्क रहता है वही मतलब क्या होता है बेटा पता है कि हमारा जो एनर्जी को हम वर्क से भी क्या कर सकते हैं रिलेट कर सकते हैं क्योंकि तो यहाँ पर पानी क्या करता है वर्क करता है और वर्क करके अपनी एनर्जी को क्रिएट करता है फटाफट सबको साथ में बुला लेता है अपने आप को प्रोटेक्ट करता है ठीक है जिसके वजह से जो एनर्जी रहता है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किस में वर्क में क्योंकि तो आपको पता है ये आपका एनर्जी है और ये भी आपका वर्क है वर्क एनर्जी वर्क और एनर्जी एक ही चीज़ होता है ना वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी तो अपन टी डी ए इक्वल टू एस की जगह पे डब्लू भी ले सकते हैं तो आपका formula हो जाएगा इक्वल टू टी डी ए हो जाएगा क्या हो जाएगा टी डी ए ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा किसका फॉर्मूला किसका फॉर्मूला हो जाएगा ये फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा किसका हो जाएगा वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा ध्यान दीजिएगा वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा ठीक है कहाँ से आया हमने एस को मतलब एस क्या था सरफेस एनर्जी जो कि पोटेंशियल एनर्जी था पोटेंशियल एनर्जी इज कंजर्व इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन ठीक है तो वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी दोनों एक ही चीज होता है तो अपन इससे रिप्लेस कर दिया किससे W से तो आपको W अपॉन डी एक्वल टू टी तो W क्या हो जाएगा W डब्ल्यू इक्वल टू टी डी ए जाएगा क्या हो जाएगा W इक्वल टू टी डी ए हो जाएगा ठीक है इस तरह से हमने क्या निकाल दिया रिलेशन निकाल दिया सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन का ठीक है और हमें क्या मिल गया ये वर्क इक्वल टू टी डी ए फॉर्मूला मिल गया चलो आगे बढ़ते हैं रेंज ऑफ मॉलिकुलर फोर्स क्या रेंज ऑफ मॉलिकुलर फोर्स रेंज ऑफ मॉलिकुलर फोर्स क्या होता है ध्यान ध्यान दीजिएगा रेंज ऑफ फोर्स क्या होता है यार देखो यहां पर ध्यान दो आपको बताता हूं ध्यान दो यहां पर आपको पता है ये कोई मॉलिक्यूल है क्या बेटा कोई मॉलिक्यूल है भाई क्या है तू कोई मॉलिक्यूल कोई वाटर मॉलिक्यूल है क्या बेटा कोई वाटर मॉलिक्यूल है और वाटर मॉलिक्यूल की खासियत यह है कि भाई ये हमेशा अट्रैक्शन करता रहता है क्या करता रहता है अट्रैक्शन किसको देख के वाटर वाटर को देख के हमेशा लाइन मारता है भाई आ जा आ जा ना ठीक है हमेशा अपने आप को नजदीक खींचने कोशिश करता है तो मान लो एक वाटर यहां है और एक वाटर यहां पर है ठीक है तो ये वाटर इसको क्या करेगा आ जा आ जा आ जा ठीक है तो अपने पास खींचता है पानी हमेशा दूसरे पानी को क्या करता है आ जा, आ जा। तो आजा जा ठीक है तो हमेशा आजा आजा ठीक है तो हमेशा खींचता रहता है तो वो क्या मतलब उसका एक रेंज रहता है पानी का एक रेंज रहता है कितने रेंज तक के मॉलिक्यूल को खींच सकता है ठीक है और जितने रेंज तक के मॉलिक्यूल को पानी खींच सकता है तो उसे क्या कहते हैं क्या कहते हैं बेटा रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं क्या कहते हैं बड़ा रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं एक पानी का ड्रॉप दूसरे पानी के ड्रॉप को कितने रेंज तक में खींच सकता है ठीक है तो उसे क्या कहते हैं मतलब हर चीज का, तो का रेंज होता है ना जैसे आपको पता है कोई वाईफाई आप घर पे लगाते हो तो वाईफाई का रेंज होता है कि नहीं होता है कि कोई आपने वाईफाई लगाया है तो 50 मीटर या फिर आपको बताता है ना कि भाई इतना रेडियस में आपको सर्विस मिलेगा 50 मीटर का भी रहता है 100 मीटर का भी रहता है लेकिन उस अगर रेंज से बाहर कोई डाटा जाता डिवाइस जाता है तो कनेक्ट होगा क्या नहीं होगा ना तो वैसे हर एक मॉलिक्यूल का वाटर मॉलिक्यूल का रेंज होता है उस रेंज में अगर दूसरा कोई वाटर मॉलिक्यूल आएगा तो जो स्ट्रांग वाटर मॉलिक्यूल रहेगा वीक वाले वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा ठीक आजा, आजा। है आजा आजा करेगा ठीक है मतलब वो खींच लेगा क्या करेगा खींच लेगा और खींचने के लिए अपना फोर्स लगाएगा कौन सा फोर्स लगाएगा पता है ये अपना इंटर मोलिकुलर फोर्स लगाएगा क्या लगाएगा बेटा इंटर मोलिकुलर फोर्स लगाएगा जब इसको ये चाहिए ठीक है ध्यान दो बेटा मान लो अपना ध्यान दो यहाँ पर देखो दूसरा कलर लेते हैं मान लो बेटा यहाँ पर हा ये अपना क्या है अपना मान लो अंडिया अपनी कांडी है ठीक है बेटा ये अपनी कांडी है तो ये अपना मतलब दो वाटर मॉलिक्यूल है मान लो ठीक है तो ये वाटर वाटर मॉलिक्यूल ये वाटर मॉलिक्यूल को खींचेगा ठीक है और खींचने के लिए ये क्या लगाएगा पता है खींचने के लिए ये एनर्जी लगाएगा मतलब एक फोर्स लगाएगा कौन सा फोर्स

तो ये कितना भी आजा आजा करेगा ये नहीं आने वाली ठीक है वही से बैठ के रखू ठीक है अपने हाथ से काम चला लो मतलब नहीं आने वाला कुछ तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा समझ में आ रहा है मेरी बात यहां क्या हो जाएगा कि ये भाई कितना भी आजा आजा करेगा इससे कोई भाव नहीं देने वाली क्यों क्योंकि तो इसके रडार में आ ही नहीं रही है ठीक है और जब नहीं आएगा तो कुछ भी करते रहे ठीक है हाथ हिलाओ तुम लोग आ जा ठीक है हिलाते रहो तो ऐसा हो जाएगा लेकिन अगर ये यहां पर आ गई तो भाई तो पकड़ जाएगी अब पकड़ जाएगी तो अब तो आ जा अब तो आ जा ठीक है तो वहां तो आ जा 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 आ जा मतलब है भाई खुश हो जाएगा और फटाख से खींच लेगा और खींच के क्या करेगा पता है अपना तो मोटा तो था ही उसको पकड़ के और मोटा हो जाएगा कि सरवा क्या करेगा पता है ये इसको खींच के अपने आप को और मोटा कर लेगा ऐसे हर साइड के जितने मॉलिक्यूल सबको खींचेगा और अपने आप को ऐसे मोटा करते जाएगा ऐसा मोटा करते जाएगा अपना सरफेस बढ़ाते जाएगा ठीक है वो सब बताऊंगा वो सब क्या बनता है उसे कहते हैं स्पिल उसे बोलते हैं स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस जब वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को खींच के अपने साथ ले आता है तो उसका जो सरफेस एरिया रहता है वाटर मॉलिक्यूल का बढ़ जाता है और बड़ा सरफेस क्रिएट करता है उसे कहते हैं सरफेस ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं वो भी पे पढ़ाने वाला नीचे पढ़ाने वाला हूँ ठीक है ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर समझे क्या लिखा है देखो हिंदी में समझ लेते हैं अंग्रेजी बहुत झाड़ ली ठीक है एक मॉलिक्यूल कितने रेंज तक के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सकता है वही होता है रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स वही होता है रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स होता है बेटा क्या होता है रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स होता है ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा एक मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल के दायरे को अट्रैक्ट कर सकता है वही क्या कहता है रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स कहता है समझा मेरे बच्चों अरे हाँ ना बोलो यार दिल से पढ़ा रहे यार कुछ तो ठोको यार लाइक ठोको यार कुछ तो दया करो यार इतना एनर्जी झाड़ रहा हूँ दोस्तों को शेयर कर दो यार कुछ तो आप भी पढ़ो यार नेहा के पीछे मत भागो यार नेहा बेवफा है यार नेहा नहीं आने वाली क्योंकि वो जो नेहा है ना वो नेहा नहीं है वो कुछ और है वो कुछ और है बहुत जल्दी खुलासा करूंगा मैं टेंशन ना लो आप आप लोग नेहा के चक्कर में मत पढ़ो आप लोग लेक्चर में ध्यान दो ठीक है बेटा नहीं तो आपका क्या हो जाएगा स्वाहा हो जाएगा ठीक है चलो समझा बच्चों सबको समझ में आया क्या समझ में आया क्या हाँ समझ में आया क्या हाँ समझ में आया बच्चों इतना समझ में आया बच्चों चलो समझ में आया तो ठोको ठोको यार ठोको यार समझ में आया तो ठोको ठीक है नहीं आया तो मुझे बताओ आ जाओ अब यहां पर बताया था स्प्लेयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है देखो स्पेयर ऑफ इंफ्लुएंस क्या होता है ठीक है इसकी भी लेंगे ठीक है आज सबकी लेने वाले चैप्टर में जो भी दहशत इस चैप्टर का लोगों ने बना के रखा है उन सब की लेंगे क्योंकि चैप्टर बहुत ही चिरकुट है चैप्टर बहुत चिरकुट है भाई एकदम तो होवा है क्या है पब्लिक अज्जू भाई की पब्लिक क्या बोलेगी चैप्टर हौआ है पब्लिक हवा हवा समझता है ना एकदम मस्का है मस्का ठीक है चैप्टर के अच्छे से लेंगे समझ के लाएंगे भाई डीप में जाएंगे और निकाल के लाएंगे ठीक है समझ के लेंगे भाई हमारे सपोर्टर हमारे जो फैन बच्चे हैं उनको भाई इतना डरना बिल्कुल नहीं चाहिए क्योंकि भाई थारा भाई बताएगा आपको समझ के आना चाहिए ठीक है स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस किया थोड़ा स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है मैंने आपको बताया था जो स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल रहता है वो अपने अगल बगल के क्या करता है स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल जो रहता है वो तरंगे छोड़ता है ठीक है अट्रैक्शन के चार्ज छोड़ता है और खड़ा रहता है तो उसे खूबसूरत खूबसूरत जो परिया रहती है उसके अगल बगल क्या करती मंडराती रहती है अब जो पता चलता है उसके मेरे रडार में आ गई तो उसे खींच लेता है ठीक है आपने पिक्चर देखा है कौन सा अरे ओ क्रिस मूवी क्रिस तो उसमें लास्ट सीन में देखो एक औरत रहती है वैसे अपने दुश्मन को ऑब्जर्वेशन करती रहती है एक बंदा आइसक्रीम खाता रहता है उसका निगाह उसके ऊपर पड़ता है मुझे भी आइसक्रीम ठाकुर दे दे नहीं देगा तो है खींच लेती है ठीक है मतलब खींच लेती है तो ऐसा क्या करता है ना ऐसा स्ट्रांग ऐसा मॉलिक्यूल रहता है और उसका एक रडार रहता है उस रडार तक के रडार में कोई मॉलिक्यूल आता है ना उसके रेंज में अगर कोई मॉलिक्यूल आता है तो उन सब मॉलिक्यूल को अपने अपने तरफ खींच लेता है ऐसा 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 चारों तरफ से खींच लेता है और यो मोटा हो जाता है ठीक है तो अपना एरिया बढ़ जाता है इतने से सरवा इतना हो जाएगा जितना भैंसा हो जाएगा क्या हो जाएगा भैंसा हो जाएगा समझ समझना है क्या इतना खाएगा तो ये भैसा हो जाएगा समझ समझना है क्या तो आपका थारा भाई इतना खवाएगा इसको इतना खवाएगा कि भैंसा हो जाएगा ठीक है मतलब बोलते ना भाई मोटा हो जाना मैं किसी को यहां पर रो नहीं कर बेटा सबका अपना एक अच्छा देखो बहुत देखो आई एम नॉट क्लेमिंग एनी बडी लेकिन मैं यहां पर जैसा क्लिंग कर रहा हूँ ठीक है कोई इसको पर्सनली मत लेना ठीक है कैसा वर्ड इस्तेमाल कर रहे सर मतलब कहने का मतलब यह कि एकदम समझ में आ रहा है फैल जाएगा क्या हो जाएगा फैल जाएगा नॉट सो डोंट टेक दिस एनीथिंग पर्सनली क्योंकि सब अच्छे दिखते हैं अपने अपने तरीके से ठीक है चलो अगर कोई मॉलिक्यूल अपने रेंज ऑफ मॉलिकुलर फोर्स को ध्यान देना अगर कोई मॉलिक्यूल अपने रेंज ऑफ मॉलिकुलर देखो यहां पर क्या लिखा है अगर कोई मॉलिक्यूल अपने रेंज ऑफ मॉलिकुलर फोर्स से अलग अलग मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर बड़ा मॉलिक्यूल तैयार करता है तो भाई उसका स्पेयर ऑफ इंफ्लुएंस बनता है क्या बनता है स्पेयर ऑफ भाई साहब सब कुछ लिख दिया हूं यार अब क्या चाहिए आपको मैं यहां पर हिंदी में लिख के रखा हूं आपके लिए अगर आपको मेरी बात याद ना रहे गलती से आप भूल जाओ गलती से आपके अंदर गजनी आ जाए गजनी जानते हो उसको पंद्रह मिनट हमेशा कुछ ना कुछ भूल जाता है ठीक है आपने देखा गजनी मूवी गजनी मूवी में उसको हर चीज भूल जाता था पंद्रह मिनट के बाद अपनी गर्लफ्रेंड भी याद नहीं रहती थी यार कौन है मैं नहीं जानता नहीं जानता कल मिले थे रात में हाँ, 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 हाँ मिले थे ठीक है मेरा कहने का मतलब है भूलो मत उसके लिए मैंने यहां पर सब लिख दिया है आपको क्या कुछ करना नहीं है बस इसको अच्छे से रख लेना है पढ़ लेना है ठीक है तो स्पेयर ऑफ इंफ्लुएंस क्या होता है जब एक बड़ा मॉलिक्यूल अपने रडार में रडार में, रडार में में आने वाले सभी मॉलिक्यूल को चारों तरफ से अट्रैक्ट कर लेता है तो क्या बन जाता है स्पेयर ऑफ इंफ्लुएंस बन जाता है क्या बन जाता है स्पेयर ऑफ इंफ्लुएंस बन जाता है क्या बन जाता है बेटा स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस बन जाता है सब बड़ी बात समझ में आया क्या ये सुनो चलो और ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये खींचता कैसे जिसके जो वाटर मॉलिक्यूल बड़ा मॉलिका उसके अंदर स्ट्रॉन्ग वजह से वो अपने छोटे छोटे छिरकुट वाले लोग को क्या कर लेता है खींच लेता है, 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 है सबको मिला के बड़ा सा सरफेस तैयार करता है और उसे क्या कहते हैं स्पेयर ऑफ इंफ्लुएंस कहते हैं क्या कहते हैं स्पेयर ऑफ इंफ्लुएंस कहते हैं ठीक है तो इसमें होता क्या है फिलहाल देखो यहां तो ये यह क्या है रेंज ऑफ मॉलिक्यूल है है नहीं है 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 रेंज 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 सब 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 ये 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 लेकिन जब मिल जाते हैं तो इतना बड़ा फैल जाता है इतना बड़ा हो जाता है तो जो रेंज कहलाते थे वो बाद में इसके रेडियस बन जाते हैं क्या बन जाते हैं रेडियस बन जाते हैं जो पहले रेंज हुआ करते थे तो सबको मिला लिया तो उसका सरफेस बड़ा हो गया कहां तक हो गया पूरे उसका रडार जितना रेंज था सब तक उसका सरफेस फैल गया और जो सरफेस था जितना ऑब्जेक्ट आते थे जितना मॉलिक्यूल आते थे अब वहां तक तो उसका रेडियस कहलाता है भाई मेरा मेरा रेडियस रेडियस हो गया मैं रेडियस आ गया आ तक ठीक है तो जो पहले जो पहले रेंज हुआ करता था जो सबको मिला लिया तो उतना उसका एरिया फैल गया और उसके सेंटर से उतना एरिया क्या कहलाने लगा रेडियस कहलाने लगा क्या कहलाने लगा रेडियस कहलाने लगा पहले रेंज ऑफ मॉलिक्यूल होता था लेकिन सबको मिला दिया तो बड़ा सरफेस बन गया और बड़ा सरफेस बन गया तो क्या हो गया क्या हो गया भाई वो रेडियस बन गया क्या बन गया रेडियस बन गया ठीक है बताता हूं मैं आपको समझाता हूं देखो ध्यान दो यहां पर मान लो बेटा मान लो देखो यहां पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है दिख रहा है भाई आजा हमारा कोई ये हमारा कोई बड़ा वाला मॉलिक्यूल है और ये यहां तक के 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 मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सकता है तो यहां मान लो बैठा हुआ है कौन बैठा है यहां बैठा है ये देखो ये बैठा है एक बैठा है दो बैठा है तीन बैठा है चार बैठा है पाँच बैठा है तो सबको खींचेगा सबको खींचेगा जब खींचेगा देखो अभी देखो इसका ये सब रेंज है ये सब रेंज है ये सब रेंज है रेंज ऑफ मॉलिक्यूल 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 है ठीक है लेकिन जब खींच लेगा सबको तो इसका जो सरफेस है बेटा सरफेस क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा सर जब सबको सबको खींच के मिला देगा तो सब इसका जो सरफेस इतना बड़ा हो जाएगा सरफेस कितना हो जाएगा इतना बड़ा सरफेस हो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इतना बड़ा बड़ा क्या इतना ठीक है इतना बड़ा सरफेस हो जाएगा ठीक है जब इतना बड़ा सरफेस हो जाएगा जो पहले रेंज ऑफ मॉलिक्यूल कहलाता है वो बाद में तो फिर रेडियस कहलाएगा क्यों क्योंकि जितना बड़ा सरफेस बन गया है तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ये रेंज ऑफ मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा रेडियस बन जाएगा क्या बन जाएगा रेडियस बन जाएगा रेडियस बन जाएगा हा हाना भाई बोल समझ में आ रहा कि नहीं समझ में आ रहे कि नहीं भाई समझ में आ रहे कि नहीं डायरेक्टली इक्वल होता है रेंज ऑफ मोलिकुलर फोर्स के ठीक है तो जब रेंज ऑफ मॉलिक्यूल रहता है तो जब जितने एरिया तक के सभी मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर लेता है उसका साइज बढ़ जाता है और जो पहले मोलिकुलर रेंज कहलाता रहता था वो बाद में रेडियस कहने लगता है क्या कहने लगता है बेटा वो बाद में रेडियस से कहलाने लगता है ठीक है इसको ध्यान दीजिएगा ठीक है समझने वाली बात यस और नो सोनो ना बोल यार यस और नो बेटा ना बोल यार हाँ ना यार बोल फटाफट बोल चलो इंटर मोलिकुलर फोर्स क्या होता है बेटा इंटर मोलिकुलर फोर्स क्या होता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट इज द लफड़ा ऑफ इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द व्हाट लिक्विड ठीक है तो बेटा ध्यान दो यहां पर क्या होता है एनी मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट टू एनी अदर मॉलिक्यूल बाय सम फोर्स एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड इंटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ठीक है एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जो अट्रैक्ट होता है एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जब अट्रैक्ट होता है तो अट्रैक्ट कराने के लिए कोई फोर्स रहता है बीच में तो दोनों को चिपका चिपकी कराता है ना कुची कुची कराता है तो उसी फोर्स को क्या कहते हैं उसी फोर्स को थारा भाई क्या बोलता है भाई उसी फोर्स को हम कहेंगे इंटरमोलिक्युलर फोर्स कहेंगे क्या कहें बना इंटरमोलिकुलर फोर्स कहेंगे अच्छा दो तो, एक अंडिया को कांडी से मिलना है तो बांडिया क्या करेगा दोनों को सेटिंग लगाएगा हे का तारीफ तारीफ करेगा करेगा फिर उसको दोनों सेट हो जाएगा बाद में कुछ कुची तो वैसे ही यहाँ पर एक पानी दूसरे पानी में जब अट्रैक्ट करता है तो वहां पर भी फोर्स रहता है और उस फोर्स को मेरे बच्चों क्या कहते हैं उस फोर्स को क्या नाम तो उस फोर्स को इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं क्या कहते हैं बेटा इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं क्या कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं समझ में समझ में आया क्या बड़ा और इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है दो टाइप में होता है मार्केट में दो टाइप से बड़ा दो टाइप से देर आर टू टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स टू टाइप ठीक है कौन कौन सा है पहला है कोहेसिव फोर्स और दूसरा है

कोहेसिव फोर्स सेम सेम मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कराता है हैं मतलब ये क्या है भाई ये तो वो कर... समझ में आ रहा है क्या सेम सेम लोग का कर रहे हैं सेम समझ रहे हो ना सेम सेम क्या होता है हैं ठीक ठीक सेम सेम लोग का कराता है देखो <laughs> मतलब पानी पानी का अट्रैक्शन कराता है तो पानी पानी को देख के चिपकता है तो मतलब समझ लेना वहां पर कोहेसिव फोर्स है कौन है कोहेसिव फोर्स है अगर अगर पानी पानी को देखकर अट्रैक्ट होता है अट्रैक्ट होता है तो समझ लो समझ लो वहाँ कौन बैठा है सी फोर्स है सी फोर्स काम कर रहा है कर रहा है ठीक है मतलब सेम सेम मॉलिक्यूल यार मतलब पानी पानी क्या है सेम मॉलिक्यूल है और सेम सेम मॉलिक्यूल का जो कुची कुची कराता है उसे क्या कहते हैं कोहेसिव फोर्स कहते हैं क्या कहते हैं कोहेसिव फोर्स कहते हैं ठीक है तो अधेसिव फोर्स क्या होता है यहां पर मॉलिक्यूल डिफरेंट रहते हैं मतलब सेम मॉलिक्यूल नहीं रहते हैं यहां पर डिफरेंट मॉलिक्यूल रहते पानी मान लो पानी ग्लास के साथ अट्रैक्शन कर रहा है ठीक है पानी लकड़ी के साथ अट्रैक्शन कर रहे हैं लकड़ी लड़की नहीं यार लकड़ी लकड़ी नो, उड़ उड़ ठीक है तो मतलब तो डिफरेंट तो मॉलिक्यूल पानी किसी सॉलिड सब्सटेंस के साथ अट्रैक्ट कर रहा है तो यहां पर भाई क्या हो गए मॉलिक्यूल अलग हो गए पानी का मॉलिक्यूल अलग होता है और किसी सॉलिड सब्जेक्ट का सॉलिड ऑब्जेक्ट का मॉलिक्यूल अलग होता है ठीक है तो वहां पर भाई अलग अलग चल रहा है जब अलग अलग मॉलिक्यूल अट्रैक्शन चलता है उसे कहते हैं कोहेसिव अधिव फोर्स क्या कहते हैं अधेसिव फोर्स और जहां सेम सेम चलता है उसे कहते हैं कोहेसिव फोर्स ठीक है

मुझे पता है कि आप दो हज़ार का टारगेट पूरा करोगे मुझे पता है और करके रहोगे मेरा टारगेट बढ़ा आप कराओ मैं आपको मजा दूंगा ठीक है इतना बढ़िया पढ़ाऊंगा क्योंकि तो मुझे पता है चैप्टर बहुत मजेदार है ठीक है इस चैप्टर के बारे में लोगों ने फोकड़ का फॉर्म मचा के रखा यार चैप्टर के अच्छे से लेंगे यार इतना समझा दूंगा ना कि भाई रात में भी थारा भाई अगर तुमसे तो तो कुछ क्वेश्चन पूछे ना हाँ सर बोलो सर मुझे आता है सर ठीक है मतलब आपको मेरे बच्चों को इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि कोई इनको कहीं से पूछ रहे तो आपको आना चाहिए ठीक है और नोट्स इतना बेहतरीन बनाया हूं कि क्या बताऊं यार मुझे इसे कभी प्यार हो जाता है ठीक है तो इतना समझ लो कि नोट्स जानदार है और मालदार भी है इसमें आपको मजा आने वाला है क्या आने वाला है मजा आने वाला है चलो आगे बढ़ते हैं देखो फोर्स बिटवीन सेम मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा कोहेसिव फोर्स और फोर्स बिटवीन टू डिफरेंट कॉल्ड अधेसिव फोर्स यहाँ पर ध्यान दो यहाँ पर वाटर वाटर के साथ लफड़ा कर रहा है लेकिन यहाँ वाटर ग्लास के साथ या वाटर किसी सॉलिड सब्सटेंस के साथ लफड़ा कर रहा है मतलब यहाँ अपोजिट रहते हैं यहाँ सेम सेम से रहते हैं इतना समझ बेटा इतना समझ में आया क्या इतना समझ में आया क्या हाँ ना बोल यार समझ में आया क्या ये सुनो चलो मैं आपको दो मिनट देख लेता हूँ दो मिनट में आप लोग को देख लेता हूँ क्या चल रहा है आप लोग का ठीक है उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आप पानी पी लेते हो यार बड़े जोर की बड़े जोर की आई है पानी आई पानी 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 पीना है निकालना नहीं ठीक है आप भी पानी पी लो ओके गाइस चलो आप लोग देख लेता हूं यार चेहरा देख लेता हो आप लोग का साढ़े लोग साढ़े छो लो, साढ़े छो, छो लोग क्या देख रहे भाई क्या बात है हेलो पब्लिक हेलो हेलो पब्लिक बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहे पब्लिक बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ है मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा पहले बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा गाइस मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ जरा लोकर सांगा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है मजा आ रहा है कि नहीं कोई डाउट कोई डाउट कोई डाउट है क्या बेटा ओहो क्या बात है वेरी गुड वेरी गुड क्या बात है यार तुसी कमाल हो यार तुम लोग बहुत मजा आ रहा है यार 840 पहुंच चुका है सोचो एक घंटे में यार तो मुझे उम्मीद है मेरे बच्चों मुझे उम्मीद है मुझे उम्मीद है कि हम दो हजार का टारगेट आज टच कर लेंगे ठीक है मुझे उम्मीद है क्योंकि यहां पर आप लोगों ने इतना मुझे प्यार दिया है कि क्या बताऊं आठ सौ पैंतालीस लोगों ने लाइक कर चुके हैं क्या बात है यार वेरी हैप्पी सो सो थैंकफुल थैंकफुल गाइस यू बहुत बहुत शुक्रिया मुझे लग रहा है मुझे, मुझे रहा है मतलब कि मतलब इमोशनल हो रहा हूँ मतलब मजा आ गया समझो दो हजार पूरा हो गया ना तो भाई मैं तो भाई समझो मैं कितना एंजॉय करूंगा ठीक है प्लीज आप मेरा रिक्वेस्ट है कर दोगे आप लोग ओके मैं अपने आप से एक चैनल लगा के रखा हूँ यार वो पढ़ाई क्या जिसमें बच्चे पसंद ना करें तो मेरे वो अगर आपने दो हज़ार लाइक कर दिया समझ में आ जाओगे मेरे बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं मेरा सेशन और मैं उस पर और वर्क करूंगा ताकि आपको और अच्छे से अच्छे कंसेप्ट में आपको पढ़ाऊँ अच्छा अच्छा नोट्स आपके लिए बनाऊँ ठीक है मुझे उम्मीद है आप लोग कर देंगे यार लेकिन छः सौ बासठ नहीं चाहिए यार हज़ार चाहिए कम से कम हज़ार लोग देखना चाहिए हज़ार लोग देखो यार हज़ार लोग चाहिए यार शेयर करो यार यहाँ हाँ ठोको जरा ठोको यार एक फेंको जरा यहाँ पर ओ गॉड यार वेरी गुड वेरी गुड मजा आ रहा है पब्लिक जोश बढ़ते जा रहा है ठीक है मजा आ रहा है चलो मचाते हैं मचाते हैं अब आग, आगे बढ़ते हैं ठीक है अब मैं देखूंगा तो ये कम से कम अगली बार जब देखू ना तो 1500 पार हो जाना चाहिए और लास्ट में देखो जब लेक्चर खत्म हो तो 2000 हजार टच हो जाना चाहिए यार मजा आ जाएगा सही बता रहे हूं ठीक है चलो आप लोग के ऊपर है अगली बार जब टच करूंगा तो 1500 के ऊपर पहुंच जाना चाहिए आप लोग के ऊपर है ठीक है जितना ठोक सकते ठोको आगे बढ़ते हैं क्योंकि आप लोग जितना सपोर्ट करोगे अंदर से उतनी ज्यादा कंचना बाहर आएगी कंचना जब से आपको, आपको मजा ना क्या बताऊं ठीक है चलो आ जाओ सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर थेरी अगला टॉपिक उड़ा क्या उड़ा सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर थेरी ठीक है तो ध्यान ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मजेदार कंसेप्ट बताने आ रहा है आपको थोड़ा ध्यान दीजिएगा ठीक है सरफेस देखो क्या लिखा है सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिकुलर दीजिएगा थोड़ा ध्यान दीजिए इसको चलो क्या देखो यहां पर क्या देखो ध्यान से समझो पहले मैं आपको ध्यान समझाऊंगा फिर मचाऊंगा ठीक है पहले ध्यान समझो मैं आपको समझा दो क्या है ये मान लो कि कंटेनर है क्या बेटा कोई कंटेनर है इस काइंड ऑफ एनी कंटेनर कोई कंटेनर है ठीक है इस कंटेनर में पानी भरे हुए क्या भरा हुआ है पानी भरा हुआ है पानी ले लो पानी ले लो मतलब पानी भरा हुआ है ठीक है पानी भरा हुआ भरा हुआ ठीक है एक कोई कंटेनर है और कंटेनर में पानी भरा हुआ है तो इस कंटेनर में भाई मैं कोई तीन केस कंसीडर करूंगा क्या कंसीडर करूंगा तीन केस कंसीडर करूंगा बोलो सही समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है हाँ ना बोल यार ठीक है यहां पर तीन केस कंसिडर करने वाला हूं मान लो पहला जो केस है बेटा ध्यान दो यहां पर केस केस जो पहला है ए है आपका ये है पहला केस ये है पहला केस ये है ठीक है दूसरा केस आपका ये है दूसरा केस ये है और तीसरा केस आपका ये है ठीक है आप यहां देख रहे हो हर बार चिल कर रहा है चिल कर रहा मचा रहा है पब्लिक मचा रहा है ठीक है मचा रहा है कौन मचा रहा है अपना ए वाला मचा रहा है देख रहे हो हल्का सा स्माइल कर रहा होगा ठीक है ये हल्का सा दुखी है <laughs> प्रेशर आ रहा है <laughs> तो हल्का सा दुखी है अब ये बेचार लग रहा है रो देगा लाइक दिस तो बेटा यहां पर इसका टेंशन एकदम टाइट हो चुका है इसका टेंशन टाइट हो रहा है और ये भाई मजा ले रहा है क्या ले रहा है मजा ले रहा है तो भाई ये कहानी क्या है सर क्या सीक्रेट है इसके अंदर कुछ बताओ सर एक्साइटमेंट बढ़ते जा रहा है मतलब क्या रीजन है कि भाई मजा ले रहा है इसके टेंशन टाइट हो रही है और इसका हवा निकल गई ठीक है।, है मतलब ऐसा क्यों हो रहा है इसके पीछे रीजन है इसके पीछे रीजन है मैं आपको बता देता हूं ये सब लफड़ा पानी के अंदर होता है दिस ऑल द वाटर बच्चों ये सब पानी के अंदर होता है लेकिन आपको पता नहीं है लेकिन आज आपको बता के रहूंगा टूडे विल कम टू नो दैट कि सब पानी के अंदर होता है सर वो पानी जो पानी फ्लो होता है उसके अंदर भी होता है हाँ उसके अंदर भी होता है और जो पानी रेस्ट पर रहता है सब उसके अंदर भी होता है हाँ, देखिए सर होता क्या ये है क्या हो रही लफड़ा ये किस टाइप का लफड़ा है वो लफड़ा मैं क्लियर करके देने वाला हूँ टेंशन नहीं लेना है फुल एंजॉय करो और कंसेप्ट ध्यान से सीखो ठीक है नेहा के पीछे मत जाओ ठीक है नेहा बेवफा है ठीक है वहां पर ध्यान मत दो नाउ यहां ध्यान दो बच्चों आपको मजा दूंगा मैं मजा ठीक है ध्यान दो आप पर ठीक है तो इतना समझा हमें उसको रफ कर देता हूं फिलहाल ठीक है चलो यहां पर रफ कर देता हूं आप समझने की को कोशिश करो ठीक है आप समझने की को कोशिश करो एक एक पॉइंट समझाएंगे पहला हम लेंगे किसकी ए की लेंगे ठीक है समझ के लेंगे ए पॉइंट कर लेते हैं देखो ए पॉइंट पहले इसको देख लो ये कोई कंटेनर है और कंटेनर में नीचे दिख रहा है यहां पर कहीं पर आपका ए है यहां कहीं पर आपका ए है ठीक है यहां पर कहीं पर आपका ए है बेटा ठीक है चलो अब इसको देखो क्या है ये हंस क्यों रहा है हंस होने हंसने की वजह क्या देखो यहां पर देखो पॉइंट ए फुल मजे में है पॉइंट ए फुल मजे में है ठीक है क्योंकि टेंशन फ्री है क्योंकि टेंशन फ्री है अच्छा मुझे बताओ आपके घर में जो छोटे बच्चे रहते हैं ठीक है वो मजे में रहते हैं क्यों क्योंकि उनके ऊपर कोई टेंशन नहीं रहता है ठीक है और ऊपर घर पे कोई प्रॉब्लम भी आता है तो बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि घर पे कोई प्रॉब्लम है क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है ठीक है और इसलिए हमेशा टेंशन फ्री रहता है हमेशा कोई दुख की घड़ी भी आ जाती तो है तो लोग हंसते रहते हैं ठीक है तो मतलब ऐसे कुछ वाटर के साथ यहाँ पर होता है पानी का जो नीचे का जो लेयर रहता है बीच का जो लेयर रहता है बीच का लेयर है ठीक है ना पूरा नीचे है ना पूरा ऊपर बीच में ठीक है तो ये क्या है फुल मजे में ये फुल मना क्या है फुल मजे में है फुल मचारेला है ठीक है क्योंकि ये टेंशन फ्री है क्योंकि ये टेंशन फ्री है क्योंकि ऑल साइड्स साइड्स आर आर बैलेंस आर बैलेंस मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल ऑल क्योंकि इसके हर साइड से मॉलिक्यूल क्या है बैलेंस है बैलेंस कहीं से कोई भी प्रेशर बाहर का नहीं आ रहा है ये कहीं भी मिल रहे हैं सब इसको वाटर मॉलिक्यूल ही मिल रहे हैं हर साइड से ठीक है ये जहां भी इस उसको कुछ जरूरत पड़ता है इसको वाटर मॉलिक्यूल मिल जाते हैं तो इसको जब जब आपको जो चीज जरूरत पड़ेगा और आपको वो चीज हाजिर हो जाएगा तो कभी आपको टेंशन आएगा क्या इसे आपको आपको भी सोचते हो काश मेरे पास कोई ऐसा शक्लग बुम बुम का पेन आ जाए मैं कुछ को भी ड्राइंग करता हूँ मेरे पास वो आ जाता तो फुल मज़ा करता मैं या फिर कोई ऐसा चीज़ जिसके पास सोचते हो चीज़ हाजिर हो जाए या फिर उसको कोई चीज़ की कमी ना हो तो कहीं कभी टेंशन में रहेगा क्या नहीं रहेगा तो वैसे आपका ए वाला है इसको यहाँ पर जो भी वाटर मॉलिक्यूल चाहिए हर साइड से इसको मिल जाता है आगे से देखो आगे से पिछू से दाएँ से बाय से ऊपू से नीचू से हर साइड से भाई इसके मजे चल रहे हैं हर साइड से इसको ले रहा है हर साइड से मिल रहा है ठीक है तो इसके फाइल मजे क्योंकि ऑल साइड्स आर बैलेंस मॉलिक्यूल हर साइड से इसको मॉलिक्यूल बैलेंस है ठीक है और जिसके वजह से इसके अंदर कौन सा फोर्स है स्ट्रांग कोहेसिव फोर्स है क्यों क्योंकि हर साइड से सेम मॉलिक्यूल इसको मिल जा रहा है इसलिए इसका मॉलिक्यूल कैसा है स्ट्रांग कोहेसिव फोर्स में है ठीक है एकदम फुल मजे में है कोई टेंशन नहीं है बोलते भाई क्या चल रहा है भाई मचा ले है फुल पब्लिक मजे में है ठीक है तो ऐसा कुछ इसके साथ होता है मजा ले रहा है इसको कोई टेंशन नहीं है आ जाओ क्यों टेंशन में नहीं रहता क्योंकि अगर इसको कुछ मॉलिक्यूल चाहिए रहेगा तो इसको यहां से मिल जाएगा या यहां से मिल जाएगा यहां से मिल जाएगा यहां से मिल जाएगा तो हर साइड से इसको टेंशन नहीं है क्योंकि हर साइड सेम मॉलिक्यूल मिल रहा है जो हर साइड सेम मॉलिक्यूल मिलेगा तो ऑब्जेक्ट टेंशन में नहीं रहता है ठीक है मान लो लड़कियों के बीच में कोई लड़का आ गया लड़कियों का कोई गैंग है मान लो कोई लड़कियों का गैंग है और उसमें कोई लड़का आ जाए ठीक है अपना अंडे ऐसा शरारती लड़का आ जाए तो लड़कियाँ किसमें आ जाएंगी टेंशन में आ जाएंगी कौन आ गया भाई कौन आ गया भाई ठीक है तो बेचाई टेंशन में आ जाएंगी लेकिन लड़कियों के बीच में तो कोई लड़की आ जाए लड़की गैंग में ठीक है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने मजे में रहेंगे ठीक है तो कोई टेंशन नहीं पड़ेगा तो वैसे सेम सेम मॉलिक्यूल इसको मिल रहा है हर साइड से मजे में कर रहा है ठीक है अब बात करते हैं बी का किसका बात करते हैं बेटा बी का बात करते हैं ठीक है आज जाओ बी की लेते हैं बात करते बी का बी क्या है मतलब हल्का सा टेंशन में हल्का सा इसका टेंशन टाइट हो रहा है ऐसा <laughs> हो रहा है ठीक है तो ऐसा क्यों हो रहा है मतलब भाई ये भाई डूब रहा है हल्का सा मतलब भाई इसके तो भाई प्रॉब्लम में लग रहे हैं समझ में आ रहे क्या पॉइंट बी की सुनते हैं इसकी लेते समझ में पॉइंट बी के पास कभी खुशी कभी गम छाया है कभी खुशी कभी गम है मतलब इसको नीचे से मजा तो मिल रहा है नीचे से इसको मजा मिल रहा है भाई लेकिन ऊपर से क्या मिल रहा है सजा मिल रहा है जिसके वैसे ऊपर से वो सैड नीचे से वो हैप्पी है मतलब ना कभी खुशी कभी गम वाला माहौल है इसके पास क्यों भाई ऐसा क्यों ऐसा क्यों क्योंकि मीडियम कोहेसिव फोर्स है क्यों क्योंकि इधर मीडियम कोहेसिव फोर्स है मीडियम कोहेसिव फोर्स मतलब मतलब कुछ साइड्स को कोहेसिव फोर्स मिल रहा है लेकिन कुछ साइड्स को एडहेसिव फोर्स मिल रहा है सर क्या बात कर रहे हो देखना पड़ेगा दिखाओ ना सर एक बार दिखाओ ना दिखा देता हूं देखो यहां पर देखो बेटा यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से इसको क्या मिल रहा है कोशिव फोर्स मिल रहा है जो अच्छा वाला फोर्स होता है इन लोग के लिए वाटर के लिए कोसिव फोर्स अच्छा होता है ठीक है लेकिन इसकी टेंशन टाइट कहाँ हो जाती है यहां पर टाइट हो जाती है क्योंकि यहां पर इसको क्या मिल रहा है इसको यहाँ पर गैस मिल रहा है जो कि एटमोस्फेरिक गैस है और गैस क्या होता है गैस का मॉलिक्यूल अलग होता है और पानी का मॉलिक्यूल अलग होता है तो यहाँ पर मॉलिक्यूल कैसे हो गए डिफरेंट हो गए तो ऊपर से उसको फोर्स मिल रहा है क्या मिल रहा है अधेसिव ऊपर से इसको उसको फोर्स मिल रहा है बेटा क्या मिल रहा है अधेसिव फोर्स मिल रहा है जिसके वजह से इसके मजे नहीं है सजे चल रहे हैं ठीक है इसलिए थोड़ा टेंशन में लग रहा है अब यहां पर देखो इसकी देखते हैं सी वाले का ये भाई ज्यादा तकलीफ में है। क्यों क्योंकि इसके ज्यादा हिस्सा देखो ऊपर है दिख रहा है ज्यादा हिस्सा ऊपर है और इसका कम हिस्सा ऊपर तो है तो इसको कोहेसिव फोर्स दिख रहा है कोहेसिव फोर्स और ये फोर्स इक्वली एक्ट कर रहे हैं इसके ऊपर ठीक है जिसके से ज्यादा तकलीफ में है क्योंकि इसके ऊपर टेंशन बहुत ज्यादा है टेंशन बहुत है टेंशन में ज्यादा है क्यों क्योंकि इसके ऊपर आधे से ज्यादा लग रहा है प्रेशर ज्यादा लग रहा है किसका एटमोसफेयर का ठीक है समझ में आ रही है बड़ी बात इसके वजह से ये टेंशन में है तो हमेशा ध्यान देना ऊपर का सबसे हाइस्ट लेयर जो होता है पानी का वो ज्यादा टेंशन में रहता है ठीक है ध्यान देखो पानी से सबसे ज्यादा दुखी है क्यों क्योंकि बहुत टेंशन में बेचारा बहुत टेंशन में बेचारा क्यों क्यों टेंशन में है सर क्योंकि इसके पास वीक कोहेसिव फोर्स है क्या है वीक कोहेसिव फोर्स है समझ में तो टेंशन में है लेकिन नीचे वाले बोलते भाई तू टेंशन मत ले हम तो बचाने की कोशिश करेंगे फिर भी इन लोग नीचे से बचाने की कोशिश करते हैं बचाने की कोशिश करते हैं ठीक है लेकिन फिर भी बेचारा टेंशन में रहता है समझा मेरी बात तो ये पानी में होता है जो पानी में जो मिड़ में रहता है वो मजा करता है जो पानी में हल्का सा ऊपर रहता है वो हल्का दुखी रहता है जो ऊपर जम रहता है एकदम ऊपर रहता है एकदम बेचारा एकदम तकलीफ में रहता है क्यों तकलीफ में रहता है क्योंकि ऊपर उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगने के वजह से भाई भाई उसका एकदम फुल टेंशन टाइट चलता है ठीक है इसके वजह से भाई इसके लगे पड़े रहते हैं वीक से फोर्स के वजह से ठीक है समझ में आएगा समझ में आया क्या यह सो तो ध्यान देना यहाँ पर कोई सी फोर्स स्ट्रांग रहता है इसलिए मजा करता है यहाँ कोई सी फोर्स मीडियम इसलिए क्या करता है हल्का फुल्का दुखी है और यहाँ भाई बहुत वीक है जिसके वजह से भाई इसके भाई धोना चालू है ठीक है ऐसा होता है क्योंकि इसके ऊपर सबसे ज्यादा टेंशन इसके ऊपर रहेगा टेंशन सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल का इसके ऊपर सबसे ज्यादा टेंशन रहेगा टेंशन बहुत रहेगा समझा क्यों क्योंकि इसके ऊपर एटमोस्फेयर प्रेशर ज्यादा क्या करता है ठोकता है इसके ऊपर ठीक है वजह से टेंशन ज्यादा रहता है इसके ऊपर समझा मेरे बच्चों हाँ ना बोलो यार एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है बेटा एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है ठीक है याद ध्यान दो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट कब बनता है जब कोई लिक्विड सरफेस किसी सॉलिड सरफेस ध्यान देना सॉलिड सरफेस से क्या करता है कॉन्टेक्ट में आता है तो वहां पे एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बनता है ठीक है मतलब जब सेम जब सेम मॉलिक्यूल सेम मॉलिक्यूल को मिलता है तो एंगल ऑफ नहीं बनता है ध्यान दीजेगा, ध्यान दीजिएगा दीजिएगा बच्चों मेरी बात को लिख के ले लीजिएगा ठीक है बहुत कुछ ऐसा बोलता है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसको लिखने की कोशिश करिए ठीक है आई एम ट्राइंग टू से मैं क्या बोलना चाहता हूँ आई एम ट्राइंग टू टेल यू पेपर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब सेम सेम मॉलिक्यूल रहता है तो वहां पर वहां पर वहां पर एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट नहीं बनता है एंगल ऑफ कॉन्टेट बनता कब यार जब वहां पर जो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल आ जाते हैं ना तो वहां पर एंगल कुछ कुछ होने लगता है एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बनने लगता है और एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या बनेगा जब लिक्विड सॉलिड के टच में आएगा जब लिक्विड सॉलिड के टच में आएगा तो क्या बनेगा तब वहां पर एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बनेगा क्या बने बनेगा बच्चा एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बनेगा

एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट ये आपको दो टाइप मिलेगा एक मिलेगा क्या converse. एक कॉन्वेगा कौन क्योंगा कॉन्वेगा मतलब उठेला ठीक है और कौन क्यों मतलब गढ़ेला ठीक है ऐसा कुछ मिलेगा बताऊंगा दिखाऊंगा कॉन्वेक्स कैसे दिखता है और कौन क्यों कैसे दिखता है वो भी दिखाऊंगा आपने देखा भी होगा ठीक है तो भाई साहेब सुनो जरा सुनो ओ भाई सुनो सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट किसके बीच में होता है लिक्विड और सॉलिड के बीच में ही होता है और लिक्विड लिक्विड या सॉलिड सॉलिड के बीच में नहीं होता ठीक है थीके? दो अपोजिट मॉलिक्यूल के बीच में जब आपस में कुछ कुछ करते हैं तब जाके वहां पर एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बनता है ठीक है तो अच्छा बताओ <coughs> ध्यान दो आंडिया बा के साथ कॉन्टेक्ट करेगा क्या नहीं समझा नहीं समझा हाँ आंडिया दोनों क्या है सेम चार्ज है ठीक है मैं आपकी भाषा में समझा रहा हूँ मान लो और बंडिया भी पॉजिटिव है तो यहाँ पर कुछ ही कुछ होगा नहीं होगा लेकिन मान लो यहाँ पर आंडिया है और यहाँ पर कांडी आ गई ठीक है तो भाई समझ लो ना ठीक है हो जाए कॉन्टेक्ट हो जाएगा ठीक है तो इसको क्या कहते हैं जब दो डिफरेंट चार्ज आपस में आते हैं तो वहां पर एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बनता है क्या बनता है कॉन्टेक्ट हो जाता है ठीक है उसे कहते हैं मिनिस्कस क्या कहते हैं बेटा कहते हैं जब दो अपोजिट जब दो अपोजिट मॉलिक्यूल आपस में कांटेक्ट करते हैं तो उसे हम एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट कहते हैं और मिनिस्कस कहते हैं मिनिस्कस दो टाइप का होता है एक कॉन्वेक्स होता है कॉन्क्यू होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं अच्छा याद है दो कॉन्वेक्स किसमें होता है मर्क्यूरी ग्लास का क्या होता है बेटा मर्क्यूरी और ग्लास जब मर्क्यूरी देखो ध्यान दो रहा जब मर्क्यूरी और ग्लास मर्क्यूरी क्या फ्लूड है मर्क्यूरी क्या है सेमी फ्लूड है क्या बेटा सेमी फ्लूड सेमी फ्लिड है और एक ग्लास ग्लास क्या है सॉलिड है सॉलिड सॉलिड ठीक है ये ग्लास क्या होता है सॉलिड होता है ये मान लो वाटर जैसा रहता है वाटर ठीक है मतलब ये थोड़ा सा सेमी फ्लिड रहता है ये ज़्यादा रहता है इसको वाटर फिल्म बोल लो क्योंकि वाटर मैंने वहाँ लिया है मर्क्यूरी टाइप का लिक्विड होता है मतलब तो पूरा पूरी तरह से लिक्विड नहीं रहता है हल्का सा सेमी लिक्विड रहता है ठीक है तो मर्क्यूरी और ग्लास जब सा, जब साथ में आते हैं मर्क्यूरी अलग है ग्लास अलग है ठीक है जब ये साथ में आते हैं तो वहाँ पे जो उनका कॉन्टेक्ट बनता है जब वहां पर उनका कॉन्टेक्ट बनता है उसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिनिस्कस क्या कहते हैं कहते हैं क्या कहते हैं बेटा कहते हैं और जब वाटर और ग्लास ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा बहुत इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा बेटा ध्यान दीजिएगा एक कंसेप्ट ध्यान दीजिएगा जब वाटर और ग्लास जब वाटर और ग्लास साथ में आते हैं तो कॉनकेव मिनसकस होता है क्या होता है कॉनकेव मिनिस्कस होता है और जब मर्क्यूरियो ग्लास आते हैं तो कॉन्वेक्स मिनिस्कस होता है क्या होता है कॉन्वेक्स मिनिस्कस होता है ध्यान दीजिएगा समझ में मेरी बात सोनो चलो आगे बढ़ते हैं ये ध्यान दीजिएगा ठीक है और एक चीज मैं बता देता हूं मर्क्यूरियो ग्लास जब आते हैं ना मर्क्यूरी जब और ग... ग्लास आते हैं तो इनका फॉल हो जाता है क्या हो जाता है फॉल हो जाता है ठीक है इसे क्या कहते हैं बताऊंगा और इसको बोलते हैं जब वाटर और ग्लास जब साथ में आता है ना वाटर ग्लास तो ये राइज हो जाता है इनका राइज हो जाता है क्या होता है बेटा राइज हो जाता है राइज ठीक है मतलब उठ जाता है ऊपर ठीक है उठ जाता है ठीक है और ये गिर जाता है, गिर जाता है नीचे गिर जाता है नीचे गिर जाता है ठीक है अब क्या गिरता है क्या उठता है बताऊंगा पब्लिक सबर करो बताऊंगा वो भी बताऊंगा ठीक है थारा भाई बताएगा हिंदुस्तानी भाव आ जाएगा अभी ठीक है तो आपको बता दू टेंशन ना लो ठीक है चलो ये कैसे इसमें गिरता क्यों फॉल क्यों होता है राइस क्यों होता है अभी आपको दिखा दूंगा ध्यान दीजिएगा वाटर ग्लास का जब कॉन्टेक्ट होता है तो राइस होता है ठीक है और मर्क्यूरी ग्लास का जब कॉन्टेक्ट होता है तो फॉल हो जाता है ठीक ठीक है तो समझ लेना ठीक है आ जाओ दो गए दिख रहा है दिख रहा है सर ये क्या है ये कैपिलरी है ये क्या है ये कैपिलरी है व्हाट इज दिस कैपिलरी ठीक है अब कैपिलरी मैं आपको में आपको बताऊंगा उस समय टेंशन ना लू ओके <ksell pads> मान लो मान लो बेटा ये कोई कंटेनर है क्या बेटा कोई कंटेनर है दिख रहा हो कंटेनर ये कोई कंटेनर है ये क्या बेटा कोई कंटेनर है ठीक है ये कोई कंटेनर है और उस कंटेनर में कोई मर्क्यूरी डाला मर्क्यूरी होता है ना मर्क्यूरी का होता है ना ग्लास मर्क्यूरी ग्लास मरक्यू डाला है ठीक है ग्लास मर्क्यूरी ठीक है ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर ध्यान दो यहाँ पर ये मर्क्यूरी है जो क्या रहता है एक एक उसका ट्यूब जैसा रहता है ग्लास का ठीक है उसको पानी में डाल दिया है मतलब इसके अंदर क्या भरा है पता है इसके अंदर पानी भरा हुआ है इसके अंदर पानी है पानी है रे पानी रे पानी रे पानी पानी और एक गिलास ये सब गिलास है ये गिलास है कंटेनर जिसका है जो गिलास का बना है ये कंटेनर जो है ना ये गिलास कंटेनर है और ऊपर से जो ये आप देख रहे हो ये ये भी ग्लास का है जो मर्चूरी का ट्यूब रहता है वो भी गिलास का ही रहता है ठीक है ये सब गिलास है अंडरस्टूड नॉट और ये सब क्या भरा हुआ है पानी भरा हुआ है क्या भरा हुआ है पानी पानी भरा हुआ है तो यहाँ पर देख रहे हो जब यहां पर देखो ग्लास एक क्या सौलिण है सॉलिड है सॉलिड और लिक्विड है पानी मतलब लिक्विड है ये आपका लिक्विड है ठीक है तो ध्यान दीजिएगा जब पानी जब पानी जब पानी और ग्लास ये पानी है ना लिक्विड मतलब पानी ध्यान दीजिएगा ये पानी मतलब लिक्विड है जब पानी और ग्लास जब कॉन्टेक्ट में आएंगे तो ये राइज हो रहा है देखो राइज हो रहा है क्या हो रहा है राइस हो देखो राइज देखो ये राइज हो रहा है देखो ये राइज हो रहा है राइज हो रहा है देखो राइज हो रहा है ऐसा ठीक है तो उसे हम क्या कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं राइस कैपिलरी राइस क्या कहते हैं बेटा कैपिलरी राइस कहते हैं क्या कहते हैं कैपिलरी राइस कहते हैं और ये कैपलरी राइस किसके अंदर होता है जब पानी जब पानी और ग्लास साथ में आते हैं क्या होता है जब पानी और ग्लास साथ में आते हैं तो कैपिलरी राइस हो रहा है राइस समझते हो देखो ऊपर बढ़ रहा है बढ़ रहा है ठीक है उसे कैपिलरी राइस कहते हैं ठीक है अब यहां पर देखो यहां पर क्या भरा हुआ है इसके अंदर मर्क्यूरी भरा हुआ है क्या भरा है मर्क्यूरी ये मर्क्यूरी भरा हुआ है ठीक है और मर्क्यूरी सब क्या है ग्लास है मर्क्यूरी ग्लास के टेस्ट में आया है ठीक है जब मरक्यूरी ग्लास के टेस्ट में आएगा तो नीचे आ रहे हैं सब तो नीचे आ रहे हैं देखो नीचे आ रहे हैं सर आप सोच रहे हो सर नीचे कहा नीचे तो ये दिख रहा है क्या कुछ भी बोल रहे हो समझाता देखो यहां पर हमें यहां से नहीं देखना हमें यहां नहीं देखना हमें यहां नहीं देखना बेटा हमें बीच में नहीं देखना है हम बीच में देख के फैसला नहीं करेंगे ठीक है हम बीच में देख के यहां पर फैसला नहीं करेंगे हमें यहां नहीं देखना है यहां से नहीं देखना है हमें कहां देखना है पता है आपको बताता हूं हमें कहां देख के पता चलता है सर कहां से देख के पता चलता है सर बताओ ना आपको बताता हूं हमें यहां पता दिख रहा है यहां देखो यह ये।, यह ये दिख रहा है ये ये दिख रहा है ये ये पॉइंट दिख रहा है ये पॉइंट ये पॉइंट देखो ये पॉइंट दिख रहा है ये पॉइंट देखो तो ये पॉइंट देखो उठा हुआ है दिखा उठा हुआ है उठा हुआ राइज हो रहा है मतलब यहाँ पर एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट राइज है कॉन्टेक्ट क्या होता है पता है कॉन्टेक्ट देखो ये ग्लास हो गया ये आपका ग्लास हो गया ग्लास ये पानी है ये सब पानी है तो पानी गिलास के साथ कॉन्टेक्ट करके ऊपर जा रहा है मान लो ये गिलास हो गया ये गिलास हो गया और ये पानी है ये पानी है तो ये कॉन्टैक्ट करके ऊपर जा रहा है देखो ऊपर जा रहा है ऊपर देखो ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है ऊपर जा रहा है इसे ऊपर जा रहा है ये आइस से ऊपर जा रहा है ये पानी ये पानी बेटा पानी गिलास के साथ कॉन्टैक्ट कर रहा है कॉन्टैक्ट और कॉन्टेक्ट करके उन चिपक के ऊपर जा रहा है जो ऊपर जैसे कहते हैं राइस कहते हैं क्या कहते हैं राइस कैपिलरी राइस देखो यहाँ पर कैपिलरी राइस हो रहा है देखो यहाँ पर कैपिलरी ऊपर बढ़ रहा है रहा है ऊपर बढ़ रहा है देखो ध्यान से दिखाता हूँ ध्यान से देखो यहाँ पर देखो ये बढ़ रहा है ऊपर देखो ऊपर जा रहा है देखो ऊपर जा रहा है ध्यान से देखो ऊपर ऊपर जा रहा है देखो इसको देखो इसको इसको देखो जो साइड एंड साइड कॉन्टेक्ट जहां पर हो रहा है उसको देखो उसको बीच में नहीं देखना है ऊपर बगल, बगल बगल देखो ठीक है तो हाँ तो कैपिलराइज हो रहा है और यहाँ पर देखो जरा यहाँ पर जब देखोगे आप देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर यहाँ पर जब देखोगे देखो यहाँ यहाँ दिख रहा है यहाँ पर यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो देखो ये उठा हुआ है

कैपिलरी फॉल ध्यान दीजिएगा मर्क्यूरी और ग्लास के टच में होता है मर्क्यूरी और ग्लास के टच में होता है मर्क्यूरी तो होता है फॉल होता है उसे कहते हैं कैपिलरी फॉल ठीक है fall, और जब पानी और ग्लास साथ में आते हैं तो क्या होता है ये राइस होता है उसे क्या कहते हैं कैपिलरी राइस कहते हैं और इसी को हम साथ में कॉनिकोमिन भी कहते हैं क्या कहते हैं कॉनिको मिनिस्कस तो ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा बच्चों तो ध्यान दीजिएगा यार थोड़ा सा शांति से पढ़ा रहा था ताकि आपको समझ में आ जाए ध्यान दीजिएगा कि कॉनक्यो मिनस्कस में राइस होता है क्या होता है राइस होता है कॉनक्यो मिनस्कस में और मिनस्कस में फॉल होता है क्यों तो फॉल होता है क्योंकि तो मर्क्यूरी ग्लास रहते हैं और क्यों राइस होता है क्योंकि तो पानी और ग्लास रहते हैं इसमें यहां पर राइस होता है यहां कॉन्टेक्ट बढ़ रहा है और यहां कॉन्टेक्ट घट रहा है सर एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट कहां बनता है एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इसको कहते हैं कितने देखो देखो ध्यान दीजिएगा मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर देखो मैं आपको जैसा बताता हूँ यहाँ पर देखो यहाँ पर यहाँ पर नया नोट्स में बताता हूँ यहाँ पर देखो ये आपका मान लो बैठा यहाँ पर यह आपका क्या है कोई कंटेनर है ठीक है और कंटेनर में पानी भरा हुआ है अब पानी मान लो ऐसे, ऐसे जा रहा है ऐसा 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 जा रहा है ऐसा आप देख रहे हो कि पानी राइस कर रहा है यहाँ पर कंटेनर है तो देखो यहाँ पर एंगल कहाँ बनता है एंगल एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट कहाँ बनता है देखो यहाँ पर ध्यान दो देख रहा है ये आपका एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया ठीक है देखना ये आपका एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया थीटा ठीक है इसे कहते हैं एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या कहते हैं एंगल एंगल मतलब थीटा और कॉन्टेक्ट मतलब कुची कुची ठीक है तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट कैसा हो रहा है राइस हो रहा है कैसा दिख रहा है ऊपर जा, जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है दिख रहा है ऊपर जा रहा है इसे कहते हैं राइस एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट राइस हो रहा है इसको ही हम लोग कैपली राइस भी कहते हैं अगर इसके अंदर हमने कैपली डाल दिया क्या डाल दिया कैपड़ी और उसके अंदर पानी क्या और राइस हो रहा है समझ में आ है मेरी बात और कैपली डालेंगे तो यहाँ पर क्या रहेगा बड़ा यहाँ खुला रहेगा ताकि पानी ऊपर चढ़ेगा ठीक है समझा मेरी बात और यहाँ पर कैपलरी देखो राइस का फॉल कैसे होता फॉल फॉल देख लो फॉल फॉल भी दिखा देता हूँ आपको फॉल कैसे होता देखो फॉल मानो कंटेनर है ठीक है और उसके अंदर पानी भरा हुआ है क्या भरा बढ़ा पानी पानी रे पानी 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 पानी, आज है पानी 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 तो ऐसा पानी जा रहा है जब ऐसा पानी जा देखो पानी नहीं भरा सॉरी पानी गलती से बोल दिया पानी मत मानो गलती से मुंह से निकल गया गलती से मुंह से निकल गया गलती हो गया ठीक तो है तो पानी नहीं है पानी नहीं है ये मर्क्यूरी है क्या बेटा मर्क्यूरी एच जी ठीक है ये मर्क्यूरी है और मर्क्यूरी और ग्लास है ये मरक्यूरी है और ये क्या बेटा ये ग्लास है ये ग्लास है और जब कॉन्टेक्ट करें तो डाउन हो दो डाउन तो आपका एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट ऐसा बनेगा ठीक है ऐसा बनेगा जब मर्क्यूरी मतलब देखो मर्क्यूरी और ग्लास टच में आएंगे तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट ऐसा बनेगा ठीक है और जब पानी और ग्लास टच में आएंगे तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट ऐसा बनेगा ध्यान दीजिएगा ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ बच्चे अक्सर कन्फ्यूज रहते हैं इसके अंदर ठीक है जब मर्क्यूरी और ग्लास टच में आएंगे तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट ऐसा बनेगा ठीक है डाउन साइड में इसको फॉल कहते हैं मर्क्यूरी यहाँ पर फॉल होगा एंगल ठीक है यहाँ फॉल रहेगा और यहाँ पर क्या रहे राइज रहेगा क्या रहे बेटा राइज रहेगा ठीक है देखो ऊपर जा रहे हैं एंगल तो ऑफ राइज में ऐसा बनता है और फॉल में ऐसा बनता है और राइज कब होगा जब वाटर वाटर और ग्लास साथ में आएंगे ठीक है तो उसमें क्या होगा राइज होगा और उसमें क्या कहते हैं प्यार से कौन क्यों कहते हैं क्यों मिनिस्कस ओके मिनिस्कस कहते हैं और उसमें क्या होगा यहां पर क्या हो जाएगा कॉन्वेक्स क्या कहेंगे कॉन्वेक्स 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 मीनिस्कस ठीक है आगे बढ़ते हैं देखो यहां पर देखो यह होगा कौन क्यों यह होगा कौन भाई ठीक है अच्छा समझा मेरे चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सेप ऑफ मिनिस्कर्स टाइप्स ऑफ सेप ऑफ मिनिस्कर्स ठीक है कितने टाइप का होता है देखो टाइप और सेप ऑफ मिनिस्कर्स ध्यान दीजिएगा मिनिस्कस कितने टाइप के होते हैं तो मिनिस्कस बेटा आपका देखो नॉर्मली दो ही टाइप का रहता है लेकिन एक देखा जाए तो तीन टाइप का होता है पहला जो होता है ये होता है आपका कॉनक्यो मिनसकस पहला क्या होता है कॉनक्यो मिनिस्कस होता है पहला क्या होता है कॉनक्ओ और दूसरा जो होता है कॉन्वेक्स मिनिस्कस रहता है क्या रहता है कॉन्वेक्स मिनसकस देखो टाइप बोला है meniscus, वतलब, तो टाइप ऑफ मिनिस्कस टाइप ऑफ मिनिस्कस ठीक है मतलब एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट दो टाइप का होता है एक होता है कॉनक्यो एक होता है कॉन्वेक्स ठीक है और को कहते हैं एक्यूट एंगल और, और को कहते हैं क्योंकि एंगल बनता है तो में जो एंगल बनता है उसे एक्यूट एंगल कहते हैं और कॉन्वेस में जो एंगल बनता है उसे ऑप्टिस एंगल कहते हैं और कहीं कहीं पर जीरो एंगल कॉन्टेक्ट रहता है जीरो एंगल कॉन्टेक्ट कहाँ रहता है जहां पर सेम सेम ऑब्जेक्ट रहते हैं पानी पानी के साथ रहेगा ठीक है किसी डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ नहीं रहेगा तो वहां एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट नहीं बनेगा तो वहां पर प्लेन रहेगा प्लेन सब कुछ जीरो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट भी कहा जाता है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या क्या चीज़ें एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बढ़ाते हैं और कम करते हैं ठीक है देखो यहाँ पर द नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉइड इन कॉन्टेक्ट मतलब आपने जो सॉइड लिया है और जो लिक्विड लिया है उसका नेचर कैसा है वो प्योर वाटर है या प्योर नहीं है या आपने जो सॉइड मटेरियल लिया है वो कितना सॉइड है ज़्यादा सॉइड है कि सेमी सॉइड है तो उसके ऊपर भी आपका एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट डिपेंड करता है ठीक है टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है टेम्परेचर अगर राइज होता है टेम्परेचर टेम्परेचर अगर राइज होता है तो आपका एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट डाउन हो जाता है ये भी ध्यान दीजिएगा अगर टेम्परेचर राइज होता है तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट डाउन रहता है ये भी ध्यान दीजिएगा ये सब फैक्टर है जो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट पर आप करते हैं इफेक्ट डालते हैं अगर एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट अगर आपको बढ़ाना है तो आपको वहां पर टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट अगर आपको कम करना है तो आप पर टेम्परेचर आपको क्या करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा ठीक है ये ध्यान दीजिएगा चलो एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप एंड बबल्स एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या लिखा है बेटा ठीक सा, सा, है. है? सा, सा, आपको एक मिनट का ब्रेक लूंगा उसमें पानी पीऊंगा और आपके कुछ कमेंट पढ़ूंगा फिर इसके बाद हम क्या करेंगे अच्छे से लेंगे ठीक है डेरिवेशन को लेने वाले समझ के बेटा क्योंकि बच्चे से छोड़ देते हैं छोड़ना नहीं हमें समझ के लेना ठीक है ये इंपॉर्टेंट डेरीवेशन है ठीक है चलो ओके okay गाइस आ गया हूं, आपका चैट देख रहा हूं क्या बात है यार 600 के ऊपर पब्लिक देख रही है लेकिन हजार का टारगेट था यार हजार का टारगेट था यार क्यों मुझे उदास कर रहे हो आप पब्लिक उदास मत करो यार उदास मत करो गाइस मजा आया कि नहीं है मजा आया कि नहीं आया

उम्मीद लग रहा है मुझे आप करवा दोगे पग तो नहीं तो नहीं हो रहा है किसी को हा मजा आ रहा है ना ओके ये डेरिवेशन दिख रहा है डेरिवेशन भाई इसकी सबको समझ के लेना है इसकी बहुत अच्छे से लेंगे ठीक है समझ के लेंगे बढ़िया से ठीक है सपोर्ट करोगे ना सपोर्ट करो सब लोग हा चलो रखने जा रहा हूं मोबाइल अब मैं मिलूंगा आपसे लेक्चर के एंड तक मिलूंगा आपसे तब तक भाई टारगेट कंप्लीट कर दो और सबके सब प्लीज हाँ हजार लोग आ जाओ यार हजार लोग आ जाओ यार प्लीज हाँ चलो चलो रखने जा रहा बेटा उम्मीद है मुझे अभी भी पर उम्मीद लग रहा है कि हो जाएगा चलो आ जाओ एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स एंड बबल्स ड्रॉप एंड बबल्स ठीक है बेटा इसका हम क्या करेंगे डेरिवेशन लेंगे क्या लेंगे डेरिवेशन लेंगे ठीक है और आपको समझ में आना चाहिए बिकॉज बहुत मजेदार चीज है और इसमें भाई बवाल बवाल है 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 क्या ठीक है? तो इतना तरीके से आपको बताऊंगा ना कि मजा आ जाएगा ना एकदम तो फल मजा आने वाला मस्का है मस्का क्या हुआ है बेटा हवा है ठीक है इसके लेंगे समझ के लेंगे ठीक है ध्यान दो आप ध्यान दो सपोज सपोज मान लो वी हैव अ ड्रॉप एंड दिस प्रेशर इज पी वन कन्वर्टेड इनटू बबल

इसको बबल बनाया ना तो इसका प्रेशर पी ओ हो गया hmm. क्या हो गया पीओ हो गया मतलब ड्रॉप था तो छोटा था और जब उसके अंदर प्रेशर डाला ठीक है तो बड़ा हो गया इतना बड़ा हो गया तो उसका दो प्रेशर एक पहला प्रेशर और बाद का प्रेशर दो प्रेशर बनेगा ठीक है पहले कितना प्रेशर था बाद में प्रेशर तो क्या हुआ क्योंकि पहले वो क्या था ड्रॉप था उसको मैंने फूक मरा तो क्या हो गया बड़ा सा बबल बन गया उसको तो मैं खेलने लगा टन ठीक है आप लोग खेलते हो देखते हो देखते हो देखते हो कहा देखते हो कभी मेले जाओ, पे से तो में जाओ वहां हैं ठीक है तो इसमें छोटे छोटे ड्रॉप रहते हैं ना उनको बबल बन जाता है। क्या जाता? बबल बन 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 जाता 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 है 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 क्या ठीक तो यहाँ पर क्या हुआ है यहाँ पर ड्रॉप जो था उसको प्रेशर डाल के बड़ा सा बबल बना दिया और जब बबल बनाया तो उसके अंदर भी प्रेशर रहेगा कि नहीं रहेगा उसके अंदर भी प्रेशर रहेगा हाना बोल यार अरे हाना बोल यार ये सुनो समझ में आया कि नहीं आया तो यहां पर दो प्रेशर रहेगा एक इन और एक आउटसाइड इन मतलब ड्रॉप वाला प्रेशर आउटसाइड वाला मतलब उसका बबल वाला प्रेशर ठीक है मतलब हमने ड्रॉप को बबल बना दिया गाइस हमने ड्रॉप को बबल बना दिया ठीक है क्या मार के फूक मार के फूक मतलब प्रेशर देके, ठीक है तो हमने ये काम करके लिया ठीक है इतना समझा मेरी बात चलो आगे बढ़ते हैं ठीक है याद रखो इनिशियल प्रेशर एंड इनिशियल प्रेशर एंड फाइनल प्रेशर अब हम क्या करेंगे दोनों का प्रेशर निकालेंगे पहले जब ड्रॉप था उसका प्रेशर क्या था और जब बबल बन गया तो उसका प्रेशर निकालेंगे. क्या होगा ठीक है तो दोनों का प्रेशर निकालेंगे क्या निकालेंगे बेटा प्रेशर निकालेंगे ठीक है तो इनिशियल एरिया सरफेस जब ड्रॉप रहा होगा तो भी गोल रहा होगा और जब बबल बन गया तो भी गोल रहेगा क्योंकि तो ड्रॉप और बबल दोनों गोल गोल, गोल गोल होते हैं गोल मतलब है। है? तो तो गोल लेकिन, तो लेकिन जब बबल बन जाएगा तो उसका रेडियस बड़ा बन जाएगा ठीक है तो घबराना नहीं है जो इसका एरिया होता है इनिशियल मतलब ड्रॉप का ये ड्रॉप होने का है ड्रॉप ये ड्रॉप का है ये ड्रॉप होने का है ड्रॉप होने का ठीक है बेटा इसका ड्रॉप वाले का है ठीक है तो ड्रॉप वाले का ड्रॉप वाला भी क्या होता है गोल होता है और बबल जो बन के तैयार वो भी गोल हुआ है तो फर्क क्या है इसका रेडियस छोटा है और इसका रेडियस क्या हो गया है बड़ा हो गया है मतलब पहले इतना था अब इतना हो गया है तो पहले इसका रेडियस इतना हुआ करता था अब रेडियस यहां तक तो पहुंच गया है तो ये रेडियस और ये रेडियस को ऐड कर दो तो उसका बड़े वाले का निकल जाएगा और सब छोटे वाले रेडियस को लेकर चलेंगे तो छोटे वाले का एरिया निकल जाएगा अरे ना बोल यार अरे ना बोल यार समझ में समझ में आ रही है मेरी बात समझ में आ रही मेरी बात यस सुनो चलो तो क्या करना है एरिया ले लो पहले छोटे वाले का ड्रॉप कर ले लो तो पहला पहले वाले को ए वन मान लो ए वन और दूसरे वाले को ए टू मान लो क्योंकि तो दो चीजें ड्रॉप है और बबल है ठीक है तो ए वाला एरिया क्या, हो क्या होता है फोर पाई आर स्क्वायर क्योंकि भाई स्पेयर का एरिया क्या होता है फोर पाई आर स्क्वायर होता है ठीक है

हवा भर दिया अब जब हवा भरा देखो तो फूल गया ले फूल गया इतना बड़ा बबल बन गया ठीक है और जब बबल बना तो उसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक क्या हो रेडियस बढ़ गया रेडियस चेंज हुआ और इतना एरिया कवर कर लिया ठीक है तो ये भी गोला था ये भी गोला है ठीक है तो इसका और इसका एरिया लगभग सेम ही रहेगा बस फर्क ये है कि इसमें ए आर जो आर रहेगा इस आर के साथ ऐड हो जाएगा तो सब वही कर दिया है सेम है कि नहीं सेम इसके साथ रेडियस को ऐड कर दिया क्योंकि उसका लंबाई बढ़ रहा है ना भाई ये सोनो और गोला वो भी है तो दोनों का एरिया ला साथ में खत्म कर दिया आपका भाई ड्रॉप का है किसका बेटा ड्रॉप का है और किसका बेटा बबल बबल का है बबल। मेरी बात ना ना यार अरे ये या सुनो चलो आगे बढ़ते हैं चेंज ऑफ सरफेस एरिया अब हम क्या करेंगे दोनों का सरफेस एरिया निकालेंगे ठीक है चेंज ऑफ सरफेस एरिया पहले देखो फाइनल माइनस इनिशियल होता है चेंज कब निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल चेंज कैसे निकालते हैं? मान लो पहले बहुत गरीब था मान लो थारा भाई पहले बहुत गरीब था और मेरे पास पांच रुपए थे कितना बड़े थे लेकिन अज्जू भाई ने इतना मेहनत किया इतना मेहनत किया न्यू इंडिया पर कि आज अज्जू के पास सात रुपया सात अमीर बन गया हाँ हाँ हा, इसकी घड़ी आ गया मोबाइल आ गया सब आ गया ठीक है अब भाई अपन बहुत अमीर अमीर फील कर लेला है ठीक है दो रुपया ज्यादा कमा लिया है तो मुझे चेंज निकालना है क्या चेंज कि अपन ने पहले कितना था अभी कितना है तो भाई अभी मेरे पास कितना है सात है क्या बोल सात है वॉट इज दैट अभी मेरे पास सात रुपया है लेकिन पहले क्या था न्यू इंडियन ज्वाइन करने से पहले पांच रुपया था सात माइनस पांच तो, तो अज्जू भाई ने कितने तरक्की की अज्जू भाई ने दो रुपए की तरक्की कर ली भाई मचाओ ताली हाँ, हाँ, बोलो यार बात तो इस तरह से हम क्या करते हैं इस तरह से हम चेंज निकालते हैं चेंज में समझते हो अभी क्या है पहले क्या था तो बड़ा माइनस छोटा कर देते हैं तो अभी हमें क्या करना है चेंज निकालना है तो भाई पहले ड्रॉप था फिर बबल बन गया तो ड्रॉप का एरिया माइनस सॉरी बबल का एरिया माइनस किसका ड्रॉप का एरिया

प्राचीन समय में नहीं अभी ऊपर पढ़ा था हमने ठीक है क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था भाई याद मतलब है कि डी डब्ल्यू इक्वल टू टी डी ए मतलब ऐसा डब्लू इक्वल टू टी डी एद आए मेरी बात हा नोल यार तो हम क्या करेंगे W इक्वल टू टी और डी ए की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे ठीक है तो आपको ये मिल जाएगा ये कहाँ से आया अभी हमने ऊपर पढ़ा था ठीक है तो हमने क्या किया वही पुट कर दिया हा ना बोल यार समझा क्या क्या पता है डीए की जगह पे वोल्यू को भरा दिया ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अब आपके पास इक्वेशन फोर आ चुका है ठीक ये, ये है वॉट यू नो पब्लिक क्या पता है यार आप क्या पता है मैं बताता हूँ तो। हमें पता है कि डी डब्ल्यू मतलब वर्क क्या होता है फोर्स अपॉन फोर्स इंटू क्या होता है डिस्प्लेसमेंट तो आपको वर्क हुआ कि नहीं हुआ तो पहले ड्रॉप था छोटा सा था उसको उन्हें मारा बड़ा हो गया ठीक है मतलब भाई बड़ा हो गया कि नहीं हो गया अंडरस्टूड ना मेहनत करने के तो भाई बड़ा हो जाएगा ठीक है ध्यान दीजो ध्यान दो पर मैं क्या बोल रहा हूं पहले ड्रॉप था फूक मारा बबल बन गया ठीक है तो भाई आपने वर्क किया ना तो वर्क किया तो उसके लिए फोर्स दिया फोर्स दिया और फोर्स दिया तो उसका डिस्प्लेसमेंट मतलब बढ़ गया मतलब उसका रेडियस बढ़ गया तो, तो यहाँ पर वर्क मतलब फोर्स इंटू डिप्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट किस फॉर्म में रहेगा रेडियस के फॉर्म में रेडियस बढ़ रहा है ठीक है तो हमें पता है हमें पता है कि नहीं बताओ ना बोलो यार अरे ना बोलो यार ठीक है तो आपको यह पता है वर्क का फोर्स इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है ठीक है अच्छा आपको ये पता है कि फोर्स क्या होता है फोर्स होता है क्या होता है फोर्स होता है पी ए ये सुनो तो फादर इक्वल टू पपा नहीं समझा मैं बताता हूँ आपको पता है पी क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया

ठीक है एरिया क्या होता है स्पेयर का एरिया स्पेयर का क्या होता है फोर पाई आर स्क्वायर और प्रेशर उसका चेंज हो रहा है आई से आउटसाइड जा रहा है इन साइड से आउटसाइड जा रहा है तो इसको इस फॉर्म में करके यहां पे रख दो तो आपको फोर पाई आर तो आपने क्या निकाल दिया एफ का वैल्यू निकाल दिया एफ का वैल्यू क्या है ये वैल्यू आया अब इस एफ का वैल्यू आप यहां पर पुट कर दो यहां पर पुट कर दो तो आपको क्या मिलेगा डी डब्ल्यू इक्वल टू पी आई पी ओ फोर पाई ये मिल गया कि नहीं मिल गया अरे ना बोल यार अरे समझ में आया कि नहीं आया अरे ना बोल यार यह सोनो इतना समझा मेरी बात तो क्या हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फाइव एंड सिक्स फ्रॉम इक्वेशन फाइव एंड इक्वेशन सिक्स ठीक है चलो आगे देखते हैं आगे देखते हैं ठीक है अच्छा ध्यान दो यहाँ पर एक चीज ध्यान देना पड़ेगा आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा मैंने आपको बताया नहीं लेकिन ध्यान देना पड़ेगा यहां पर यहाँ पर ध्यान दो यहाँ पर यहाँ पर क्या लिया बेटा यहाँ पर मैंने क्या लिया पी आई पी ओ लिया है ना लेकिन यहाँ पर डेल्टा आर रहेगा क्या रहेगा डेल्टा आर क्योंकि तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा यहाँ पर आपको दो आर लेना पड़ेगा देखो एक आपका जो ड्रॉप वाला है और एक आपका जो है बबल वाला है क्योंकि यहाँ पर प्रेशर चेंज हो रहा है इनसाइड से आउटसाइड जा रहा है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा आपको लेना है ठीक है चलो आगे बढ़ जाओ अब क्या करेंगे आपका ये वैल्यू है अब ये आपका डी डब्ल्यू का वैल्यू मिल चुका है अब डी डब्ल्यू का वैल्यू हम क्या करेंगे पुट कर देंगे क्योंकि हमें डी डब्ल्यू का वैल्यू ऊपर पता है कहाँ पता है देखो यहाँ पर डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या था ये था ना तो अब हमें डी डब्ल्यू का अगर हमने वैल्यू निकाल लिया है डी डब्ल्यू का वैल्यू हमने निकाल दिया नीचे अब हम क्या करेंगे डी डब्ल्यू क्या है डी डब्ल्यू इक्वल टू टी और एट पाई आर डेल्टा आर है ना तो हम क्या करेंगे इसको टच नहीं करेंगे इसके जगह पे जो वैल्यू निकाले हम पुट कर देंगे जब पुट करेंगे बेटा तो आपको कुछ वैसा दिखेगा कैसा आजा भाई ऐसा कहा गया हाँ जब पुट करोगे तो आपको देखो डी पुट करोगे तो आपका ऐसा हो गया और ऐसा वैल्यू हो गया दोनों कंपेयर कर दोगे अब यहाँ पर कंपेयर करने के बाद क्या होगा पता है कुछ तो होगा ठीक है कुछ काटा कुटी होगा क्या चलो क्या करते है? पता है कैन बी डू एनी थिंग कुछ करते हैं इसको सॉल्व करो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको दोनों क्या निकालना पता है आप पी आई पी ओ को साइड में रखने का इसको साइड में रखने का और इनको आके यहाँ डिवाइड कर देने का ठीक है जिनको डिवाइड करोगे ठीक है इसको साइड में रख के इनको डिवाइड करोगे तो आगे आगे जाके आपको ऐसा कुछ मिलेगा सॉल्व कर लीजिएगा ठीक है इसको सॉल्व कर लीजिएगा सॉल्व सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा ठीक है ये आपको मिलेगा लेकिन जो प्रेशर मिल रहा है मान लो प्रेशर किसके लिए इन का है किसका है इन का है ठीक है अब अगर आपको आउट प्रेशर चाहिए ना तो कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं करना है ऐसे इक्वेशन लिखने का और फोर्टी बाय आर ले लेने का और इसको क्या करने का और इन साइड आउट साइड दोनों प्रेशर दिखाएगा अंडरस्टूड और नॉट ये आपका नॉर्मल प्रेशर है और यह आपका इनसाइड साइड आउटसाइड दोनों प्रेशर दिखाएगा ध्यान दीजिएगा ये दोनों दिखाएगा प्रेशर ये दोनों प्रेशर दिखाएगा ये इन देखो ये जो नॉर्मल प्रेशर दिखाएगा और जो प्रेशर आए इनसाइड साइड आउटसाइड दोनों का दिखाएगा ठीक है मतलब आप एग्जाम में इधर भी छोड़ दोगे ना तो भी चलेगा चलेगा ठीक है लेकिन अगर आप यहां कर दोगे यहां छोड़ोगे तो भाई दौड़ेगा क्या होगा दौड़ेगा अंडरस्टूड और नॉट क्योंकि तो ये आपको पता होना चाहिए ये नॉर्मली होता है अगर आपको इनसाइड आउटसाइड दोनों प्रेशर दिखाना रहेगा तो कुछ बड़ा काम नहीं करना है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना दो दो बार क्योंकि तो इनसाइड आउटसाइड दिखाएगा फिर ठीक है क्योंकि तो दो गुना उसका सर्फेस क्या हो जाता है बढ़ जाता है जब प्रेशर क्या करते हैं वो ड्रॉप को मारते हैं तो उसका दो गुना क्या होता है बढ़ जाता है और बबल बन जाता है इसलिए मल्टीप्लाइड बाई टू कर देना कर दोगे तो आपको इतना आ जाएगा ठीक है चलो इतना समझा बैठा चलो आ जाओ आगे

पानी के अंदर मर्क्यूरी डालेंगे ठीक है तो पानी राइज होगा तो उसे राइस खेंगे. क्या कहेंगे कैप्लरी राइज कहेंगे क्या कहेंगे राइज लेकिन अगर मर्क्यूरी को सॉरी अगर हम इसको को के अंदर डालेंगे तो मर्क्यूरी फॉल होगा. होगा? तो होगा क्या होगा फॉल तो कहेंगे कैपलरी फॉल कहेंगे क्या कहेंगे कैप्लरी फॉल कहेंगे ये ऑलरेडी कैंसर मैंने ऊपर पढ़ा दिया है ठीक है चलो तो कैपली राइज क्या होता है जब एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट वाटर एंड ग्लास में होता है जब एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इसके बीच में होता है वाटर और ग्लास ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बता चुका बेटा किसके बीच में वाटर और ग्लास के बीच में जब कुछ कुछ होता है तो इनका उठता है मतलब ऊपर चला जाता है क्या पानी का कंसेप्ट ऊपर चला जाता है एंगल ऊपर ऐसा बनता है ठीक है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट राइज क्या हो रहा है राइज हो रहा है ठीक है ये ध्यान दीजिएगा और ये लफड़ा किस में पॉसिबल है ये लफड़ा सिर्फ कॉनकिस्कस में पॉसिबल है किसमें पॉसिबल है कॉनकिस्कस में पॉसिबल है ठीक है तो ध्यान दीजिएगा अगला कैपलरी फॉल कब होता है बेटा कैपलरी फॉल कब होता है जब एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट ग्लास और मर्क्यूरी में होता है सब लिख दिया हूँ भाई जो मैं बोल रहा हूँ सब कुछ लिख दिया हूँ भाई मतलब एक नोट्स पढ़ लोगे ना तो भी भाई मुझे मेरी जरूरत नहीं है ठीक है सब कुछ जो मैं बोल रहा हूँ सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है ठीक है ये सब मैंने लिख के दिया आपके लिए इतना बेहतरीन नोट्स बनाए यार प्लीज़ अगर आपको चाहिएगा तो उसको मैं आपको दे दूंगा ठीक है इसके लिए आप दुबे जी आप करके टेलीग्राम पे ढूंढ सकते हो मुझे दूबे जी फिजिक्स के बाबा उस पर भी भेज दूंगा मैं आप लोग को ज्वाइन हो जाए और टेलीग्राम न्यू इंडियन एरा का उस पर भी आप चल आप ज्वाइन हो गए उस पर भी आपको सर भेज देंगे ठीक है आपको टेंशन लेना नहीं है आपको सब कुछ मिल जाएगा ठीक है और इसको मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा बच्चों अंडरस्टूड और नॉट क्योंकि तो मैं चाहता हूँ इतना अच्छा नोट्स मिला तो आप तक पहुँचना चाहिए आप तक पहुँचना चाहिए ठीक है उसके लिए दुबे जी फिजिक्स के बाबा आप सर्च करिएगा कहाँ पर टेलीग्राम पर दुबे जी फिजिक्स के बाबा ठीक है और आपको पता है न्यू इंडियन का खुद का टेलीग्राम है तो उस पर भी जाके चेक कर सकते हो उस पर आपको प्रशांत सर भेज देंगे ठीक है टेंशन मत लेना चलो आ जाओ एक्शन ऑफ कैपिटल बेटा एक्शन ऑफ कैपिटल राइज हुआ या कैपिटलाइज नहीं हुआ ठीक है ये कौन बताएगा ठीक है अगर एक्शन ऑफ कैपिटलाइज जो होता है उसका पता कहां से पता चलेगा ये फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूले से पता चल जाता है कि कैपिलरी राइज होने वाला है कि कैपिलरी फॉल होने वाला है बाय दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल मतलब इस फॉर्मूले से आप बता सकते हो कि कैपिलरी कितना राइज हुआ है कैपलरी कितना राइज हुआ है और कैपलरी कितना फॉल हुआ है अगर आपको पता करना है तो माई डियर फ्रेंड आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा ये फॉर्मूला आपका डिराइव करके आपके बुक में दिया गया है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला जहाँ पे एच क्या हाइट होता है टी क्या होता है टेंशन होता है डेंसिटी होता है रेडियस होता है ये ग्रेविटी होता है ठीक है तो ये आपका है बहुत प्यारा है इसका डेरिवेशन तो उतना नहीं आता डेरिवेशन का कौन सा आता है पता है जो अभी मैंने बबल का और ड्रॉप का बताया ना वो मोस्ट वांटेड डेरिवेशन है बेटा वो मोस्ट वांटेड डेरिवेशन है ठीक है तो इतना ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बस इतना आपको कहां पर आएगा पता है ये आपको आएगा फॉर्मूला में एज अ फॉर्मूला एज फॉर्मूला टू सॉल्व टू सॉल्व वॉट क्या सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल 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 प्रॉब्लम मतलब एक कल आपको दिखेगा ठीक है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में इसका बहुत अहमियत होता है ये एग्ज़ाम में डेरिवेशन के तौर पे नहीं आता ठीक है और जल्दी नहीं आता है. और इसका काम क्या रहता है ये पता करने के लिए कि कैपिलरी राइज हो रहा है कि कैपिलरी फॉल हो रहा है ठीक है इससे आपको पता चल जाता है अच्छा आगे बढ़ते हैं नोट कैसे पता चलेगा कैपिलरी राइज हो है? कि कैपलरी फॉल है मतलब जो एंगल आएगा वो एंगल देख के हम कैसे बता सकते हैं एंगल देखते ही पता चल जाए कैपलरी भाई कैपलरी फॉल हो रहा है हो रहा है ठीक तो है तो कैसे पता चलेगा एंगल देखते आपको पता चल जाना चाहिए कैपलरी फॉल हुआ है कि राइज हुआ है ठीक है चलो उसका मैंने बता दिया है. Than, ध्यान दो, 90, तो समझ जाना एंगल बनेगा और एक्यूट एंगल बनेगा वहां पर राइज होता अगर आपने थीटा निकाला है और थीटा क्या हो रहा है मोर देन नाइनटी आ रहा है से ज्यादा एंगल बन रहा है तो उसे एपट एंगल कहते हैं और उसमें समझ आना कैपिली वहां पर क्या हुआ है फॉल हुआ है देखो यहां पर कैसे यहां पर देखो यहां पर देखो ठीटा है यहाँ ठीक है, यहाँ थीटा है। यहाँ थीटा आपको निकालना है ठीक है ठीटा अगर आपका ध्यान दीजिए अगर आपका लेस देन 90 आता है तो एक्यूट एंगल बनता है और उससे पता चल जाता है कि कैपिलरी राइज हो रहा है ठीक है और ध्यान दीजिएगा अगर ठीटा मोर देन 90 आता है मोर देन 90 एंगल ठीक है तो वहां ऑप्टिक्स एंगल बनेगा और ध्यान दीजिएगा वहां पर कैपिलरी फॉल हो जाएगा कैपिलरी का नीचे आ जाएगा ठीक है समझा बड़ी बात चलो फ्लूड इन मोशन फ्लूड इन मोशन बेटा फ्लूड इन मोशन ध्यान दो बेटा फ्लूड इन मोशन क्या होता है द स्टडी ऑफ फ्लूड इन मोशन इज कॉल्ड हाइड्रो हाइड्रोडायनामिक मोशन ठीक है अगर फ्लूड क्या है मोशन कर रहा है मतलब बहुत तेज फ्लो कर रहा है तो हम कहते हैं हाइड्रोडायनेमिक मोशन कहते हैं क्या कहते हैं बेटा हाइड्रो मोशन मतलब ऐसे फ्लूड की हमें स्टडी करना जो मोशन कर रहे हैं क्या कर रहे हैं मोशन कर रहे हैं फ्लो कर रहे हैं क्या कर रहे हैं फ्लो कर रहे हैं तो ऐसे फ्लूड को हम क्या कहते हैं हाइड्रोडायनेमिक फ्लूड कहते हैं और फ्लूड इन मोशन कहते हैं ठीक है फ्यू इम्पैक्ट फ्यू हाँ फ्यू इम्पोर्टेंट टाइप मतलब फ्लूड इन मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप हैं मतलब फ्लूड इन मोशन के जब फ्लू मोशन करता है तो किस किस टाइप का मोशन करता है उसके कुछ टाइप हैं यहाँ पर टाइप देखो देखो जब फ्लूड मोशन करता है तो तीन टाइप से मोशन कर सकता है पहला स्टीम लाइन फ्लो कर सकता है या टर्बुलेंट फ्लो कर सकता है या स्टेरी फ्लो कर सकता है ठीक है तीन टाइप से मोशन कर सकता है ठीक है मतलब पानी जब चलता है तो पानी की चाल तीन टाइप्स है कितने टाइप से तीन टाइप से ठीक है दे आर द्री टाइप्स ऑफ द पानी की चाल पानी तीन टाइप से चलता है ठीक है एक पहला पहला स्ट्रीम लाइन फ्लो पानी आराम आराम से फ्लो करता है कहीं कहीं पानी आराम से होल्ले होले 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 होले, होले, होले. आराम से फ्लो करता है और कभी कभी आराम से फ्लो करते करते ढाल आ जाता है और पानी एकदम फड़क फड़प फड़प बहुत तेज फ्लो करता है मतलब उसके अंदर कंचना आ जाता है बहुत तेज़ बहुत तेज पानी फ्लो करता है ऐसा लगता है कि सबको पूरा भिगो देगा पूरा बाढ़ आ जाएगा इतना पानी तबाही मचा देता है और उसको कहते हैं रफ्तार फ्लो रफ्तार फ्लो मतलब टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं बेटा क्या कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो टर्बुलेंट फ्लो में पानी बहुत तेज मचाता है मचाता है बहुत तेज ठीक है बाढ़ आ जाता है क्या जाता है बाढ़ आता है बाढ़ 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 ठीक है तो अगर कहीं बाढ़ आता है तबाही आता सुनामी आता है तो वहाँ वहां पर पानी किस फॉर्म में रहता है वहां टर्बुलेंट रथा फ्लो में रहता है और रथा रफ्तार फ्लो में रहता है रफ्तार किसी को रफ्तार बोलना है तो बोलना टर्बुलेंट ठीक है इसके अंदर रफ्तार हो ठीक है तो पानी अगर बहुत तेज फ्लो करता है तो उसे हम क्या कहते हैं वी कॉल दिस टर्बुलेंट फ्लो क्या कहते हैं बेटा टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं ठीक है न अगर पानी देखो पानी एकदम आराम से बहुत आराम से एक ही स्पीड में पानी अगर एक ही स्पीड में फ्लो कर रहा है ना उसका स्पीड बढ़ रहा है ना उसका घट रहा है ना उठ रहा है ना नीचे जा रहा है मतलब पानी एकदम तो नॉर्मल जा रहा है ठीक है जब पानी नॉर्मल जा रहा तो है मुझे कुछ मतलब नहीं है ठीक है तो उसे कहते हैं मीन्स वट स्टेडरी फ्लो कहते हैं क्या कहते हैं बेटा स्टेरी फ्लो कहते हैं ठीक है समझा मेरी बात तो मोशन टीप तीन टाइप का होता है पहला स्ट्रीम लाइन स्ट्रीम लाइन में आराम से ऊपर नीचे भी होगा लेकिन आराम से लेकिन और उसमें बहुत खचा खत खचाख खचा खजा खचा, 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 खचा बहुत तेज होगा तो, तो सर कहेंगे टर्बुलेंट कहेंगे और इसमें कुछ मतलब ही नहीं है मेरे को कुछ मतलब नहीं है दुनिया मोह माया है मुझे इधर भी नहीं देखना है मुझे उधर भी नहीं देखना है मुझे सीधा जाना है ठीक है तो मतलब यहाँ पर इसमें कोई मतलब नहीं रहता है आराम से एक ही लाइन में फ्लो करता है ना ऊपर उठता है ना नीचे जाता है मतलब नॉर्मल फ्लो जो रहता है उसे स्टेडी फ्लो कहते हैं ठीक है और थोड़ा वो उबड़खा जो रहता है फिर भी आरामदायक रहता है उसे स्टीम लाइन कहते हैं और जो तबाही फ्लो रहता है तबाही ठीक है गर्दा हाँ गर्दा उछाल के जो परफॉर्मेंस जो देता है उसे कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो क्या कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं ठीक है थीके? तो पानी तीन मतलब पानी जो होता है फ्लूड तीन टाइप का मोशन करता है ठीक है चलो आगे आगे क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रिनोल्स नंबर क्रिटिकल वेलोसिटी

नहीं पढ़ना मुझे नहीं पढ़ना पढ़ेगा पढ़ेगा तो पढ़ेगा आगे मुझे नहीं पढ़ना पढ़ेगा तो नाम होगा तेरा ठीक है मतलब क्या हो जाता है उसके अंदर मतलब नॉर्मल से कुछ तो हिलेरियस हो जाता है ठीक है मतलब ऐसा फ्लो जो नॉर्मल से अचानक से टर्बुलेंट फ्लो में बदल जाता है ठीक है मतलब मान लो आप कोई नदी देख रहे हो और देखते देखते नदी में बहुत तेज तूफान आ जाए बाढ़ आ जाए और पानी बहुत तेज क्या करने लगे फ्लो करने लगे तो इसमें क्या हो जाता है जो पानी का जो वेलोसिटी रहता है उसे वेलोसिटी वो कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब भाई बहुत खतरनाक वेलोसिटी है बहुत पानी बहुत तेज फ्लो कर रहा है ठीक तो है उसे क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं क्या कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं ठीक है थीके? चलो अकॉर्डिंग टू रेनॉल्ड्स रेनॉल्ड्स ने क्या किया था क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए फार्मूला दिया था ठीक है कौन सा bc bc r एंड ईटा अपॉन रो ये फार्मूला दिया था ये फार्मूला दिया था वड़ा? फॉर्मूले में क्या है बीसी आपका क्रिटिकल वेलोसिटी है एन आपका ईटा भी कहते हैं ईटा है ठीक है ईटा ठीक है ध्यान दीजिएगा और ये क्या होता है डेंसिटी होता है द ट्यूब होता है ठीक है तो ध्यान दीजिएगा अगर किसी ट्यूब में नॉर्मल फ्लो चल रहा है और अचानक से पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाए और बहुत तेज पानी फ्लो करने लगे तो वहां पर जो पानी का जो वेलोसिटी रहेगा उसमें फॉर्मूला का डिस्कवरी किया था ठीक है ध्यान दीजिएगा आर एन देखो रिनॉल्स नंबर लेस अगर लेस देन रहेगा रि, अगर रिनॉल्स नंबर बताया आर एन का मतलब रिनौर्स नंबर।, रिनौर्स नंबर ने कुछ वैल्यू तय किया था उन्होंने बताया था कि हजार के स्पीड से कम रहेगा ठीक है तो उसे फ्लो कहेंगे और हजार की स्पीड से अगर ज्यादा रहेगा तो उसे फ्लो कहेंगे कहेंगे क्या मतलब तबाही ठीक है पानी बहुत खतरनाक क्या करेगा मचाएगा ठीक है तो उसे कहेंगे फ्लो? अगर मोर देन स्पीड रहेगा ठीक है ये किसने बताया था ये रिलोस ने बताया था ठीक है आगे बढ़ते बेटा विस्को क्या होता है मेनली फोकस ऑन फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ फ्लिड मतलब क्या होता तो है बेटा जब पानी फ्लो करता है ना तो पानी का जो नीचे का लेयर रहता है ना उसके ऊपर क्या रहता है ऊबड़ खाबड़ रहता है उसके अंदर पत्थर रहता है वहाँ पर झाड़ झुंगार रहता है पानी के नीचे सरफेस पर आप जब देखते हो कोई नदी नाला या कुछ देखते हो तो जो नीचे का सरफेस रहता है इसका पानी जाकर टकराता है ठीक है तो पानी टकराता है तो पानी के अंदर एक क्या आता है रेजिस्टेंस आता है मतलब विस्कस आता है जिसके वजह से पानी जो नीचे का जो लेयर का पानी रहता है ना किसी भी मतलब नाले का नदी का या नहर का या कहीं का भी जो नीचे का लेयर का रहता है क्योंकि तो वहाँ पर पत्थर उत्थर रहता है ना तो उसके ऊपर जब पानी टकराता है तो पानी रेजिस्ट होता है मतलब उसके ऊपर एक बिस्कस आता है जिसकी वजह से उतना अच्छे से फ्लो नहीं कर पाता है और उसमें कहते हैं बिस्को क्या कहते हैं बिस्को क्या कहते हैं बिस्को एक होता है बिस्कस फोकस और एक होता है नॉन बिस्कस अगर बिस्कस मतलब क्या होता है बिस्कस ज़्यादा लग रहा है मतलब नीचे बहुत उबड़ खाबड़ है उसके पानी क्या हो रहा है फ्लो कर रहा है तो नीचे का जो पानी रहेगा ना अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएगा तो पानी कैसे फ्लो करेगा आगे पीछे फ्लो करेगा कुछ पानी आगे जाएगा तो फिर कुछ पानी पीछे आएगा ठीक है लेकिन जो साफ सुथरा रहता है इसे मान लो कि आप लोग कहां पर देखो आप लोग वाटर पार्क जाते हो वाटर पार्क में जो नीचे जहां सरफेस जहां पर आप जंप पार्क कूदते हो तो नीचे पानी कैसे नीचे सरफेस कैसा रहता है टाइल्स लगा रहता है टाइल्स तो आप पर ओवर खावर नहीं रहता है तो वहां का पानी क्या करता है एक लाइन में क्या करता है फ्लो करता है तो वहां पर क्यों फ्लो करता है क्योंकि तो वहां पर नीचे कोई भी रेजिस्टेंस करने वाला नहीं है ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन यहां पर रहता है विस्कस में ठीक है विस्कस में मतलब क्या होता है जहां पर वो पानी को उबर खाबड़ रास्तों से एक फ्रिक्शन मिलता है फ्रिक्शन ठीक है जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते अच्छे से तो वहां पर क्या होता है उसे विस्कस फोर्स कहते हैं और जहां पर नहीं मिलता है पानी एकदम होले होले आराम से मज मजे से फ्लो करता है उसे कहते हैं नॉन विस्कस फोर्स समझा मेरी बात चलो आगे बढ़ते हैं आगे एक सेकेंड अच्छा मैं आपको एक मिनट बाद मिलूंगा बैटरी खत्म हो गया यार एक मिनट दो उसके बाद पांच मिनट आपका सब चैप्टर खत्म हो जाएगा ठीक है एक मिनट बाद आपको मिलता हूं ठीक है चलो ओके ओके गाइस मेरी एनर्जी तो खत्म नहीं हुई लेकिन भाई कैमरे की एनर्जी खत्म हो गई इससे बैटरी खत्म हो गया था तो बैटरी चेंज करना पड़ा ठीक है तो कोई बात नहीं थारा भाई 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 हमेशा जोशीला रहता है हमेशा जोशीला है ये सब आपके सपोर्ट के वजह से क्योंकि आप लोग मुझे देख रहे हो और आपका देखना ही मेरी ताकत है बच्चों मेरा टारगेट लगभग लग लगभग कंप्लीट हो सकता है लग रहा है आज रात को तो कंप्लीट करा ही दोगे मुझे लगता है ठीक है दो हजार का टारगेट कंप्लीट करा दोगे मुझे पता है करा गया तो नेक्स्ट चैप्टर लाजवाब रहेगा जबरदस्त रहेगा ठीक है मुझे उम्मीद है बस ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बस समझ लो बस समझ लो कि बस लास्ट दस मिनट लास्ट दस मिनट लास्ट दस मिनट में टॉपिक खत्म बस दस मिनट और मुझे इंतजार कर लो भाई अच्छा मजा आ रहा है कि नहीं मजा रहा है बताओ मजा आ रहा है कि नहीं मजा रहा है इलेवेंथ वालों आपका लेक्चर शूट हो चुका है और प्रशांत सर ही पूरा स्टूडियो को हैंडल करते हैं तो वो कोशिश कर रहे हैं आपका लेक्चर अपलोड करने के लिए प्लीज आ, आप आप हमसे नाराज मत हो हमारा कोई गलती नहीं है ठीक है आपका लेक्चर आ जाएगा क्योंकि हमारे साइड से ऑलरेडी दस पंद्रह वीडियो शूट हो चुके हैं टेंशन मत लो इलेवेंथ वालो ठीक है टेंशन मत लो मजा आ रहा है बेटा मजा आ रहा है मजा आया कि नहीं मजा आया अरे मजा आया कि नहीं यार कुछ तो बोलो गजाव, गजाव, ये गजब गजब ईस्ट और बेस्ट अज्जू भाई बेस्ट क्या बात है पब्लिक क्या बात है यार आप तो मचा दिए क्या बात है थैंक यू गाइस थैंक यू यू आर ग्रेट यू आर वेरी नाइस थैंक यू थैंक यू बच्चा पार्टी थैंक यू लव यू सबको बहुत सारा प्यार बहुत सबका सबके मम्मी को मेरा स्नेह बोलना पापा को मेरा प्रणाम बोलना सबको मेरे साइड से बेस्ट विशेष अच्छा पढ़ाई करो मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है थैंक यू थैंक यू गाइस थैंक यू सिद्धार्थ कदम लाभी बेटा मजा रहा है अरे यार साढ़े यार मैं चाहता हूं हमारा एंडिंग अच्छा होना चाहिए छह सौ के ऊपर लोग आ जाओ ताकि हैप्पी एंडिंग हो जाए बस लास्ट पांच मिनट का टॉपिक बचा है आ जाओ यार आ जाओ यार मैं आप लोग एक बार देख लू यार प्लीज फटाफट आ जाओ आ जाओ गाइस और थोड़ा यार क्या है यार क्या है यार सिर्फ 1.1 के ही हुआ यार मैं एक्सपेक्टेशन कितना कर रहा था क्या गुंडा बनोगे आप यार ऐसे गुंडा बनोगे आप लोग हाँ हाँ ऐसे गुंडा बनोगे आप लोग हाँ सब थोड़ा सपोर्ट करो कमेंट करो अच्छा बच्चा समझ में आया तो सबका कमेंट आना चाहिए लेक्चर खत्म होने के बाद सबका एक कमेंट आना चाहिए पर्सनल कमेंट होता ना पर्सनल कमेंट आना चाहिए सबका एक एक कैसा लगा धुआंधार कमेंट आना चाहिए सबका लेक्चर खत्म होने के बाद मैं देखूंगा कितने बच्चे मेरे एक्साइटेड है कितने बच्चों को अच्छा लगा और जितना अच्छा लगा उतना अच्छा पता ना। चलो आ जाओ आ जाओ बेटा तो अगला बेटा क्या है अगला देखो यहां पर वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या बेटा वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है ठीक है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड मतलब मतलब कितना कितना तेजी से से पानी पानी कर रहा है बेटा ध्यान दो घूम रहा है मतलब पानी कितना वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस पानी कितना वेलोसिटी से अपने आप को एक्सेलरेट करता है देखो ध्यान दो वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस देखो यहां पर ध्यान दो बेटा विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस पानी अपने आप को कितना एक्सेलरेट कर रहा है मतलब अपने आप को कितना स्पीड में लेके जा रहा है उसे हम कहते हैं वेलोसिटी वेलोसिटी ग्रेडियंट ग्रेडियंट क्या कहते है? कहते हैं हैं और वेलोसिटी ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला होता है ध्यान दो वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब वीजी वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है डीवी वाई डी एक्स क्या होता है डी वी वाई डी एक्स ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं ठीक है मतलब कितना डिस्टेंस पे देखो ध्यान दो आप पर डीएक्स को कवर करने के लिए कितना वेलोसिटी लगता है पानी को उसे हम कहते हैं वेलोसिटी वेलोसिटी ग्रेडियंट ग्रेडियंट क्या कहते है? कहते हैं हैं ठीक है नाउ no. मतलब ध्यान दो अगर आपको मैं आपकी भाषा में बताऊं बेटा तो क्या होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस पानी कितने स्पीड में फ्लो कर रहा है उसे हम कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट उसका फॉर्मूला ये है दिस इज द फॉर्मूला ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं

ईटा जो होता है उसे हम कहते हैं कोईफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी और इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया इंटू क्या कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब इस तरह से इसको लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट ये फॉर्मूला होता है किसका बेटा ये आपका कोट ऑफ विस्कोसिटी का फार्मूला होता है ठीक है तो इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं क्या

यहाँ पर क्या है यूनिट ऑफ यूनिट ऑफ यूनिट ऑफ ध्यान देफ यूनिट ऑफ ऑफ विस्कोसिटी जो होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है क्या होता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है क्या होता बढ़ा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है अंडरस्टूड नॉट यह होता है ध्यान दीजिएगा और यह क्या होता है चेंज विथ टेम्परेचर ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके हिसाब से वेलोसिटी और विस्कोसिटी क्या हो जाएंगे चेंज हो जाते हैं क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं ठीक है ठीके? तो इनका टेम्परेचर का फर्क पड़ता है आगे बढ़ जाओ स्टोक्स लॉ क्या करता है स्टोक्स लॉ क्या कहता है स्टोक्स लॉ इस लॉ के माध्यम से स्टोक्स ने विस्कस फोर्स जब फ्लूइड के ऊपर लगता है तो किन चीजों पर सीधा एक्ट करता है उसका रिलेशन निकाला है मतलब स्टोक्स नाम के साइंटिस्ट थे और उन्होंने एक फॉर्मूला बताया था कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर विस्कस फोर्स लगता है तो उसका किस किस चीजों पर इफेक्ट पड़ता है जैसे मान लो मैं दौड़ रहा हूं और मेरे सामने मान लो कोई मान लो गड्ढा आ गया है या कंकड़ पत्थर आ गया काटा आ गया है तो मैं दौड़ पाऊंगा क्या नहीं काटा ओटा देख के मैं रुक जाऊंगा क्योंकि तो मेरे पैर में चोट लग सकता है तो मैं दौड़ते दौड़ते मैं रुक गया तो मेरा क्या क्या इफेक्ट पाया मेरे वेलोसिटी के ऊपर इफेक्ट आ जाता है ठीक है तो इसमें बताया था स्टोक लॉ ने कि अगर अगर कोई किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर विस्कस फोर्स लगता है तो किन किन चीजों पर सीधा इफेक्ट करता है उसका रिलेशन उन्होंने निकाला था ठीक है और रिलेशन क्या था ये था वो रिलेशन क्या था ये था एफ बीवल टू ईटा आर बी ये था ठीक है ये था बेटा ये था एफ बी इक्वल टू ईटा आर बी मतलब बिस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बेटा ध्यान दीजिएगा जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बिस्कस फोर्स लगता है मतलब बिस्कस बिस्कस मतलब होता है एक रेजिस्टेंस फोर्स जो पानी के ऊपर अक्सर नीचे से लगता रहता है जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बिस्कस फोर्स लगता है तो सीधा उस क्या करता है सीधा असर किसके ऊपर पड़ता है उसका उसका ईटा आर और वी के ऊपर असर डालता है ठीक है मतलब आपका कोईफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी और रेडियस और वेलोसिटी के ऊपर सीधा इसका असर जाता है ठीक है अगर मैं यहाँ पर क्या करूँगा अगर मैं यहाँ पर प्रपोर्सनेटी साइन हटाऊंगा तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट के तौर पर मैं सिक्स पाई लूंगा क्या लूंगा सिक्स पाई लूंगा क्या नूंगा नूंगा? 6 लूंगा बेटा सिक्स पाई लूंगा और ये क्या रहेगा इटा आर भी रहेगा तो सिक्स पाई क्या है ये कांस्टेंट है क्या बेटा कांस्टेंट है जो अल्फा मतलब आपका प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने पर आया ठीक है ये आपका कांस्टेंट है स्टोक कांस्टेंट कहलाता है तो स्टोक ने बताया था जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बेटा विस्कस फोर्स लगता है ना तो किसके किसके ऊपर असर डालता है वो विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रेडियस ऑफ द मॉलिक्यूल और बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ क्या मॉलिक्यूल के ऊपर क्या करता है सीधा इफेक्ट करता है ठीक है ये बताया था अंडरस्टूड स्टूडो नॉट तो इस तरह से मैं आपको कहना चाहूंगा हमने चैप्टर की ले ली हमने चैप्टर की समझ के ले ली गाइज अंडरस्टूड स्टूडो नॉट हमने चैप्टर को अच्छे से भाई मचा डाला ठीक है और दो घंटे में तबाही मचा दिया भाई क्योंकि तो फुल एनर्जी था क्योंकि आपका सपोर्ट था बच्चा ठीक है और अगले अच्छे में जब हम मिलेंगे तो भाई तूफानी करेंगे और हाँ अब रही बात डीपीपी की ठीक है तो डीपीपी जो होता है बेटा मैं आपको मैं प्रशांत सर को क्या करूंगा मैं व्हाट्सएप कर दूंगा या फिर उनको सपोज टेलीग्राम पे भिजवा दूंगा तो आपको पास आउट करवा देंगे ठीक है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप सबने टेलीग्राम को फॉलो कर किया होगा तो आपको वहां से सर दे देंगे टेंशन नहीं है, मैं सर को घर पर जाकर उनको पास करवाऊंगा डी पी ले लीजिएगा और इसका नोट्स भी आपको मिल जाएगा ठीक है तो टेंशन मत लीजिएगा कैसा रहा लेक्चर वो बताइए और मुझे उम्मीद है सबने नेहा के ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा आपने पढ़ाई किया होगा ठीक है और लेक्चर समझ के लिया होगा बहुत एनर्जी लगाया बॉस कुछ तो सपोर्ट करो मेरा टारगेट था यार दो हज़ार का पंद्रह सौ तो कर दो आज शाम तक ठीक है तब तक के लिए फिर मिलेंगे चलता हूँ याद रखना बाय बाय